हेलो एवरीवन। हेलो, एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, जरा मैं क्या लाइव आ चुका हूँ। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जस्ट एक बार मैं चेक कर लूँ, एम आई लाइव और नॉट, देन हम अपने पास आज के सेशन की शुरुआत करेंगे जी। यस यस, आई एम लाइव। सो क्या आप सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? फटाफट से बताइए मुझे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। संकेत है, सिंधु है, किंजल है, तन्वी है, जोशुआ, राम है। हाँ जी, तो यस यस आ रहा है, सारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, यू आर लाइव एंड ऑडिबल। क्या बात है क्या बात है। अभिनव जी हेलो बेटा। हाँ जी, क्या सारे बच्चों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? सर ये मुद्दा मत उठाइए, बस हमार को तो हर समय बस टेंशन ही तो रह रही है एग्जाम की, और क्या, हमें एग्जाम की टेंशन है बेटा। टेंशन होना संभाविक है, मैंने पहले भी कहा था, लगे रहो डटे रहो, पक्का जीत हासिल होगी। हमें एग्जाम पास करके दिखाने ही दिखाने हैं अपने इस बार, चाहे जिनका पहला है, चाहे जिनका मान लीजिए किसी वजह से अगर पिछले नहीं हुए होंगे और इस बार दे रहे होंगे, बट आप लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारनी और लगे रहना बेटा अपने पास। हरी राव जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, संकेत जी कह रहे हैं बहुत मजे में है पढ़ाई, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपने पास शुरू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिवीजन। आज का लेक्चर है बेटा आपके पास लेक्चर नंबर 3। हमने अपने पास पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करा चुका हूँ। कौन कौन से करा चुका हूँ जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज में आप लोगों को बेटा? हम लोग सर अपने पास कर चुके हैं, हम लोग अपने पास कर चुके हैं। कौन कौन से? लेक्चर नंबर 1 में हमने किए थे कौन कौन से बेटा? AS नंबर 20 किया था एक, और दूसरा बेटा कौन सा किया था मुझे बताएंगे जरा? हमने पहले वाले में कौन सा किया था बेटा बताएंगे मुझे? सर हमने AS नंबर 7 किया था। उसके बाद हमने अपने कल के लेक्चर में कौन से 2 स्टैंडर्ड्स किए थे? सर हमने AS 26 किया था, और एक कौन सा किया था बताएंगे बताएंगे? AS 24 किया था। क्या बात है सर, 4 स्टैंडर्ड्स आपके रिवाइज हो चुके हैं। आज भी हमारा लक्ष्य यही है, आज भी हमारा लक्ष्य यही है कि हमने 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने पास जो है अगले 1.5 घंटे के अंदर रिवाइज कर देने बेटा, जिससे कि आपके उन स्टैंडर्ड्स की प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगी, है ना? तो सुंदर बेटा थैंक यू बेटा। मतलब मेरा बेटा मेन मकसद यही है कि आप लोगों की फटाफट से रिवीजन हो जाए। अभी ना बेटा मैराथन करवा दो सर। बिल्कुल बेटा, पेपर से पहले चैप्टर्स की मैराथन होगी, जो कि मैं भी और तेजस सर मिलके वैसे हम लोग लेंगे। चैप्टर्स हमने डिवाइड अपने पास करे हुए हैं। AS की रिवीजन मैं यहाँ कराते चल रहा हूँ, जितने मैक्सिमम AS आप लोगों को मैं रिवाइज करा सकूंगा उतना बढ़िया है, और कुछ AS जो बच भी जाएंगे वो मैं कोशिश करूंगा कि पेपर वाले दिन आप लोगों को चैप्टर सारे रिवाइज होने के बाद उसमें आप लोगों को कराऊं, ठीक है? सो डोंट वरी फॉर दैट एज वेल। हाँ जी, मेघा ने सवाल पूछ लिया, जबरदस्त। सर आज कौन से AS कराने वाले हो? जरा थोड़ा सा संयम रखो, शांति रखो, करेंगे हम अपने पास जो है AS, अभी बता देता हूं। जरा मुझे 3-4 मिनट का समय दीजिए, मैं जरा जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको जरा थोड़ा सा अपने बारे में और अन अकेडमी के बारे में बेटा आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो उसके बाद हम अपने पास धमाकेदार रिवीजन को शुरू करेंगे। सो मैं CA नितिन गोयल, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का टीचर जो है यहाँ पे अन अकेडमी बेटा, एजुकेटर हूं फॉर CA इंटर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, मोर देन 10 ईयर्स ऑफ बींग चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले 3 साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस विद ITC था, और देन मोर देन 7 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अन अकेडमी के बेटा आप अपने पास जरूर जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो कि अन अकेडमी CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 है, उसको अपने पास जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको अपडेट्स रहे। सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस के अंदर आपके पास बेटा सारी चीजें, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स आपको बाद में मिल जाते हैं, अनलिमिटेड यूज वगैरह कोई दिक्कत की बात नहीं, पर यहाँ पे मिलते हैं आपको PDF नोट्स, ठीक है ना? पर अगर आपको प्रिंटेड बुक्स चाहिए तो दैट विल बी अंडर आइकॉनिक, एंड साथ में आपको एक पर्सनल मेंटर भी अपॉइंट हो जाता है आइकॉनिक के अंदर। तो आइकॉनिक के अंदर प्लस वाली सारी चीजें, एक्स्ट्रा भी आपके पास 2-3 चीजें रहती है। उसके अलावा बेटा जो बैचेस है वो ऑनगोइंग है, और मेरा भी बैच बेटा शुरू हो रहा है फ्रॉम 14th of July ओनली, जिस दिन आप काफी बच्चों का एग्जाम है, जिनका एग्जाम नहीं है उनका नवंबर में है, तो वो बच्चे नोट कर ले डेट अपने पास, 14 जुलाई से मेरा बैच शुरू हो रहा है, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, लिंक वगैरह बेटा सर्कुलेट हो जाएगा, तो आप उस बैच में जरूर मेरे साथ ज्वाइन करें, ठीक है ना? तो वहां पे जरूर है, वो एडवांस अकाउंट्स का होगा,
और अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस होगा वो 20th के बाद होगा। दो बेटा प्रकार की जो सब्सक्रिप्शन है प्लस और इकोनॉमिक, वहां पे आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इट इज नथिंग बट अनअकैडमी पे आपका इट इज द नेटफ्लिक्स ओनली बेटा, सब्सक्रिप्शन वाइज आपके पास है यहाँ पर और अकॉर्डिंग टू द सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगते हैं, पर आप अपने पास डिस्काउंट ले सकते हैं बाय अप्लाइंग द कोड सी एनितिन। साथ में अपने क्रेडिट्स का भी इस्तेमाल जरूर करो, क्रेडिट्स का भी इस्तेमाल जरूर करो। आइकॉनिक के अंदर में बेटा सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कॉम्बो भी आपको मिल सकता है, जिसके अंदर 12 मंथ्स 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जो कि आप अपने जूनियर्स को बता सकते हैं, ठीक है। देन अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जरूर उस ऐप को डाउनलोड करिए बेटा, और वहां पर रेफरल कोड अगर मांगा जाता है तो सीए नितिन बेटा जरूर अपना इस्तेमाल करना। देन देयर इज ऑलवेज एक कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है अनअकैडमी का बेटा एवरी संडे 12 बजे, जिसमें लास्ट वीक जो हो गया था इंटरमीडिएट का था, कल जो बेटा संडे को होगा वो फाउंडेशन का है, ठीक है। 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स में फ्री लाइव टेस्ट ऑन एंड्रॉइड है बेटा। स्कॉलरशिप वर्थ अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ तक की रहती है, पहले 200 बच्चों को बेसिकली दी जाती है। अगर आप अपने जूनियर्स वगैरह को जो फाउंडेशन में रिकमेंड कर सकते हैं बेटा, अगर कोई बच्चा जीतता नहीं है पर सीखता तो जरूर है, कोड जो है इनवाइट यूज कर सकते हैं मेरा सीए नितिन का। इसके अलावा बेटा देर आर सब्सक्रिप्शन ऑफर्स में 12 के साथ 2 मंथ्स फ्री है, 6 के साथ 1 मंथ बेटा फ्री होता है, तो वो आप अपने पास अवेल कर सकते हैं। एंड साथ के साथ आप सभी बच्चे मेरे सारे क्लासेस के बारे में जानकारी के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो नितिन गोयल का नाम से बेटा प्रोफाइल है, तो आप मुझे जरूर फॉलो करिए ताकि आप लोगों को मेरे बारे में सारे अपडेट्स मिलते रहें। अब हम अपने पास आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हाँ जी, मैराथन कब करवाओगे किंजल बेटा? बेटा पेपर से पहले आपके पास करवाया जाएगा, डोंट वरी। गायत्री बेटा कह रही है कि सर आप सीएफएस का मैराथन क्यों नहीं करवा रहे हो? बेटा वो डिवाइड करे है टॉपिक्स, तो उसकी वजह से है। सो रियली सॉरी फॉर दैट बेटा, मैंने एएस चार्ट भी नहीं किए, प्लीज पास करवा देना बेटा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप मेरे साथ लगे रहे। आदित्य बेटा कह रहे हैं डाउट पूछना चाहते, बेटा डाउट पूछ लेना आप अपने पास जो भी है। बोया जी कह रहे गुड इवनिंग, अभिनव जी कह रहे करे चार्ट, पंकज जी कह रहे सर का नाम भी तो गुड है उल्टा भी नितिन नहीं होता है। यस, आगे से भी नितिन पीछे से भी नितिन। आदित्य बेटा अगर एएस 7 के अंदर मटेरियल्स कुछ रह जाते हैं तो उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर वो कॉस्ट से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो खर्चा उस साल की टोटल कॉस्ट टिल डेट तक में नहीं आएगा ना, हमने तो उस साल का खर्चा लेना, तो जो बचा रहेगा उस साल की कॉस्ट से कम हो जाएगा अल्टीमेटली। तो खरीदा आपने मान लो 1 लाख का, आपके पास बच गया 20,000 का, तो उस साल तो कितना खर्चा लगा, 80,000 का ही लगा ना, तो माइनस कर दोगे, अगले साल में जाके वो आपके पास जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलो जी अब हम अपने पास शुरू करने जा रहे बेटा, स्टैंडर्ड आपके पास आ रहा है यहां पर एएस नंबर 17। सो हमने अपने पास बेटा करने हैं 2 स्टैंडर्ड्स। युक्ता बेटा दोबारा से पूछ लीजिए आप। युक्ता कह रही है सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला सम एग्जाम में आता है क्या? बेटा चांसेस कम रहते हैं पर आपके पास आ जरूर सकता है, वो बैचेस के अंदर कराया जाता है मेरे द्वारा। हाँ जी आ जाइए आ जाइए। सबसे पहले बेटा हम अपने पास जो है शुरू करेंगे एएस नंबर 17 से। तो एएस नंबर 17 प्रैक्टिकल प्लस थ्रेटिकल दोनों तरीके से स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा आसान है, जैसे बेटा एएस नंबर 24 डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड था, उसी प्रकार से सेगमेंट रिपोर्टिंग का भी जो स्टैंडर्ड है वो डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का नाम ही क्या रहा है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो हम कुछ सेगमेंट की रिपोर्टिंग करेंगे। अब हमें यहां पर अपने पास क्या समझना है, सबसे पहले सेगमेंट क्या है, हिस्सा जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं, टुकड़ा आपके पास कहा जा सकता है, और उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, किसकी होगी, क्या क्या चीजें बताई जाएगी। रेलिवेंस क्या आ रहा है स्टैंडर्ड का, रेलिवेंस आ रहा है बेटा बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऐसी कंपनीज है हमारे पास इंडिया में, अगर मैं बात करूं चलो सिर्फ, तो आपके पास जिनके एक से ज्यादा नेचर ऑफ वो बिजनेसेस में है, उनके नेचर ऑफ बिजनेसेस काफी एक से ज्यादा, जैसे मैं आईटीसी लिमिटेड की बात कर लेता हूं, चलो आपके पास अगर आपने सुना हो सिगरेट्स का बिजनेस है, होटल्स का बिजनेस है बेटा, पर्सनल केयर भी आपके पास, क्लासमेट के रजिस्टर भी आते हैं आपके पास, बिंगो वगैरह भी आपके पास, चिप्स वगैरह भी आपके पास आ रहे हैं, देन आपके पास आटा भी आता है बेटा आशीर्वाद का, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आ रहे। अब सवाल उठा वो बैलेंस शीट पीएनएल में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे पूरी कंपनी की इकट्ठे दे रहे, पर जो यूजर्स है वो जानना चाहते हैं, जो स्टेक होल्डर्स है वो जानना चाहते हैं कि हमें आप सेगमेंट वाइज डिटेलिंग दीजिए, तभी हम जान सकेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर सेगमेंट आपके पास जो है वो अच्छा बिजनेस परफॉर्म करके दे रही है,
कौन सी कम करके दे रही है, क्योंकि ये आपने हमसे पैसा मान लीजिए उठाया था रिसेंटली एक नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, एक नई सेगमेंट को शुरू करने के लिए, तो उसकी हमें डिटेलिंग चाहिए। तो स्टैंडर्ड का मेन रेलिवेंस ये आ रहा है कि हमने सेगमेंट्स जो है उसकी रिपोर्टिंग करनी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आई यूजर्स को, उनको पता चल सके डिफरेंट सेगमेंट्स की कैसे आपके पास जो है उनकी कैसे रेवेन्यू है, उनके खर्चे, उनके एसेट्स, उनके लायबिलिटीज, जो भी चीजें आपके पास क्वेश्चन बताएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो आपके पास अब यहां पर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो बेटा यहां पर आपके पास जो है सबसे पहले बात आती है बेटा कि हमारे पास कितने प्रकार की सेगमेंट डिफाइंड है। सर दो प्रकार की सेगमेंट डिफाइन है हमारी, एक होती है बेटा बिजनेस सेगमेंट और एक होती है बेटा ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट बेटा आपके पास है जो प्रोडक्ट पे बेस है, जैसे मैंने अभी आईटीसी लिमिटेड का एग्जांपल लिया अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से कि आप कितने प्रोडक्ट्स में डील कर रहे, प्रोडक्ट ए बी सी डी, वो आपके पास आ जाती है एक तरीके से बिजनेस सेगमेंट। लाइक मैं आपके पास अगर इसकी प्लेन डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन स्टैंडर्ड क्या देता है, स्टैंडर्ड कहता है ऐसा डिस्टिंग्विशेबल कॉम्पोनेंट आपके बिजनेस का जिसके सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है बाकी सेगमेंट्स के मुकाबले, मतलब जिसका आपके पास जो है फायदा नुकसान आपका देखने का जो तरीका है उसका अलग है, दूसरे का अलग है, उसको करने का बिजनेस को सोचने में तरीका ही आपका अलग है। और ये प्राइमरीली किस पे बेस्ड है बेटा, प्रोडक्ट्स पे बेस है। जिसमें आईटीसी की बात करें, सिगरेट भी आपके पास है, होटल्स भी आपके, दोनों के रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, दोनों के सेगमेंट ही अलग है, दोनों के कस्टमर्स अलग अलग है बेटा, ठीक है। तो आपके प्राइमरीली बेस ऑन प्रोडक्ट हो गया। बेसिस में यहाँ पे डिवाइड करने के वैसे और भी तरीके गए हैं, प्राइमरली ऑन प्रोडक्ट है बट और भी तरीके दिए गए। नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे अगर बांटू तो एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट सिल्क हो सकता है, कॉटन है, वूल है। प्रोडक्शन प्रोसेस के पे देखूं तो हैंडमेड सिल्क हो सकता है, मशीन मेड सिल्क हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के हिसाब से अपने पास बांटू तो रिटेलर्स को आप दे रहे हो भाई, होलसेलर्स को आप दे रहे हो, सीधा कस्टमर्स को डायरेक्ट टू होम दे रहे हो। कस्टमर्स के नजरिए से बांटू तो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक कस्टमर, तो अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है सेगमेंट्स को, बट प्राइमरीली इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। दूसरी जो सेगमेंट आपके पास डिफाइन गई है वो है बेटा ज्योग्राफिकल सेगमेंट, जहां पे ऑब्वियसली डेफिनेशन वही है बट इट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन एरिया कि आपके ऑपरेशन मान लीजिए नॉर्थ में चल रहे हैं, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है, सेंटर में, या आपके इंडिया में बेसिकली ऑपरेशन है, इंडिया के बाहर आपके पास ऑपरेशन है दूसरी कंट्रीज में है, तो वो एरिया बेस। अब वहां पे आप नॉर्थ के अंदर मान लीजिए चाहे पांच प्रोडक्ट बेच रहे, ईस्ट में अपने पास चार प्रोडक्ट बेच रहे, तो हम अब ऐसा एरिया देख रहे हैं आपके, आपके हिस्सों को जो डिवाइड किया एरिया बेस किया, तो एरिया के हिसाब से इट कैन बी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट के हिसाब से इट कैन बी एशिया यूरोप यूएसए। करेंसी के हिसाब से रुपीज डॉलर पाउंड। और पॉलिटिकल बाउंड्रीज के हिसाब से इट कैन बी इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका, आपके पास वो डिवाइड कर दिया। आपको बस सिर्फ याद रखना है अपने पास सिंपली, अगर मैं सिंपल बात करूं परिभाषा, आपके पास आपने याद रखना है बेटा बिजनेस सेगमेंट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स एंड ज्योग्राफिकल इज बेस्ड ऑन एरिया। हम इस तरीके से बांट सकते हैं, हम इस तरीके से बांट सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास यहां पे अब ये आ रही है, हमने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना, और एक बिजनेस जो कंपनी अब चला रही है बेटा उसकी ऑब्वियसली बिजनेस सेगमेंट्स भी होगी, ज्योग्राफिकल भी होगी। अब यहां पर एक चीज आती है, जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड का आपके पास मेन मकसद क्या, रिपोर्टिंग करना। यहां पर हम जब रिपोर्टिंग करेंगे, जब हम यहां पर रिपोर्टिंग करेंगे बेटा, यहां पर हम इसको अपने पास रिपोर्टिंग कहता है। रिपोर्टिंग करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी, हम उसकी सेगमेंट की आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं। सर ये हम क्यों करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं समझिए बेटा, स्टैंडर्ड ने जो प्राइमरी अगर आपकी सेगमेंट होगी उसके 7 डिस्क्लोजर्स है, अगर वो प्राइमरी के अंदर आ रही है तो उसके 7 डिस्क्लोजर्स देने हैं, वो बताऊंगा कौन कौन से देने हैं, पर अगर सेकेंडरी के अंदर आ रहे हैं तो उसके मेन 3 डिस्क्लोजर देने, उसके 3 डिस्क्लोजर देने, तो हमें 7 डिस्क्लोजर देने किसके, अगर वो प्राइमरी में आ रहा है और अगर वो सेकेंडरी में, तो उसके 3 डिस्क्लोजर देने, ठीक है बात। अब आपके पास जो है हमें यह जानना जरूरी है कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं, हम जब अपना कंपनी चला रहे हैं, तो मेरे बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट में से कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, पता कैसे करूंगा, क्योंकि उससे जो नंबर ऑफ डिस्क्लोजर्स है उस पर फर्क पड़ जाएगा। तो हम यहां पे क्या कहते हैं, हम ये देखेंगे कि एंटिटी का जो है, जो हमारी कंपनी बनी हुई है, उसका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है, आप रिपोर्टिंग कैसे मांगते हो। तो इट इज डन बाय द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द रिपोर्टिंग पैटर्न। मान लो आप अपनी एंटिटी का रिपोर्टिंग हायरार्की इस हिसाब से लगा रखी है कि आप प्रोडक्ट वाइज बाइफर्केशन करते हो, आपने हायरार्की हिसाब से मार के प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड,
ये लोग अपनी अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऊपर वाले लोगों को, तो वो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इज प्रोडक्ट वाइज, और इट कैन बी पॉसिबल आपने एरिया वाइज बना रखी है कि नॉर्थ वाले रिपोर्टिंग करेंगे, वेस्ट वाले रिपोर्टिंग करेंगे, साउथ वाले रिपोर्टिंग करेंगे, ईस्ट वाले रिपोर्टिंग करेंगे, चाहे वहां पे जितने मर्जी प्रोडक्ट बिक रहे। सो वी हैव टू सी द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इन द एंटिटी एंड अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि कौन सी प्राइमरी और कौन सी सेकेंडरी, और उससे फर्क क्या पड़ना है भाई। प्राइमरी के देने 7 डिस्क्लोजर, सेकेंडरी के देने हैं 3 डिस्क्लोजर। तो यहां पे अगर आपका डोमिनेंट रिस्क, मतलब आपकी एंटिटी जो बनी हुई है उसमें रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में आपने प्रोडक्ट को ज्यादा तवज्जो दे रखी है, आपका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है वो इस हिसाब से कि आपने प्रोडक्ट वाइज बना रखी है, तो आपकी बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी बन गई, तो आप प्रोडक्ट वाइज के 7 डिस्क्लोजर देंगे और ज्योग्राफिकल वाइज के 3 डिस्क्लोजर देंगे। पर अगर एरिया के हिसाब से आपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म कर रखा है तो उस केस में ज्योग्राफिकल विल बी प्राइमरी एंड बिजनेस विल बी सेकेंडरी। पर अगर दोनों ही है, मतलब आपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म दोनों तरीके से चल रहा है, आपका एरिया बेस भी है और प्रोडक्ट बेस भी है, तो फिर दोनों ही प्राइमरी होगी, दोनों के 7-7 डिस्क्लोजर्स होंगे। और अगर आपको पता नहीं चल पा रहा, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, नहीं पता चल पा रहा, तो स्टैंडर्ड ने एक मदद कर दी, प्रिजम्पशन दे दी कि अगर नहीं पता चल पा रहा तो बिजनेस को प्राइमरी मान लो और ज्योग्राफिकल को सेकेंडरी मान लो, बिजनेस को प्राइमरी मान लो और ज्योग्राफिकल को सेकेंडरी मान लो। ये क्यों करा है, ये क्यों कर रहे हैं डिवाइड, फिर से पूछूंगा, क्योंकि द नंबर ऑफ डिस्क्लोजर्स जो प्राइमरी वाली के अंदर आएगा उसके 7 डिस्क्लोजर देने हैं, जो ज्योग्राफिकल वाली में आएगा उसके 3 डिस्क्लोजर देने हैं, इस वजह से आपके पास ये जानना है। अच्छा सर, सर कौन कौन से डिस्क्लोजर देने हैं, उस पर आता हूं, घबराए मत। अभी अब प्रॉब्लम आती है बेटा, अब जैसे बेटा मैंने ITC लिमिटेड की बात करी, आपके पास और भी बहुत कंपनीज है, हिंदुस्तान आपके पास, HUL आपके पास है, हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह इतनी कंपनीज है। मान लो वो कंपनी 100 प्रोडक्ट बनाती है, 100 प्रोडक्ट बनाती है आपके, कितने प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट सर। अब आपकी जो बाइफरकेशन है, जो प्राइमरी हिस्सा है वो बिजनेस है और 100 प्रोडक्ट है, क्या सर अब हम जो 7 डिस्क्लोजर देंगे वो सारे के सारे 100 के 100 प्रोडक्ट्स का देंगे? तो बेटा अगर 100 के 100 प्रोडक्ट्स के वो 7 के 7 डिस्क्लोजर दे दोगे जो अभी मैं बताऊंगा, तो उस केस में तो आपका बेटा सिर्फ इस स्टैंडर्ड की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इस स्टैंडर्ड की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए आपके तो पेजेस भर जाएंगे। और अगर सोचो आप 500 प्रोडक्ट बनाते हो, फिर तो आप सोच लो कि पूरी बुकलेट ही बन जाएगी, क्योंकि आपको हर प्रोडक्ट वाइज बताना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड ने हमारी मदद करी, कहता है हम ऐसा है, हम बताते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट बेस करना है, जो ज्योग्राफिकल बेस करना है, जैसे भी है, उस केस के अंदर में किन सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग चाहिए होगी। हमें सारों की नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अहम सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग चाहिए। अहम सेगमेंट्स का मतलब क्या है वो हम सीखेंगे अपने पास, जिसको लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास कहता है कि हमने अपने पास रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जाननी है। रिपोर्टेबल का बेटा मतलब है वो सेगमेंट्स जिनकी रिपोर्टिंग करनी है। अब अगर 100 प्रोडक्ट है, 500 प्रोडक्ट ना रहे, सबके थोड़ी ना डिस्क्लोजर्स कर दोगे, सिर्फ उनके डिस्क्लोजर्स करोगे जो इस रिपोर्टेबल सेगमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, जो इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर बेटा आपके पास जो है, यहां पर उन्होंने तीन तरीके बताए हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट जानने के लिए। सबसे पहला है बेटा लिमिट्स मेथड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसको लेके क्वेश्चन भी आता है, और पिछली बार के दोनों अटेम्प्ट जो हुए थे, नवंबर का भी और जनवरी का, दोनों में 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जो मैंने इन मैराथन बेसिकली जो है AS की रिविजन से पहले जो मैंने पेपर डिस्कस करे थे वहां पे दोनों बार में इसका क्वेश्चन आया है 5-5 मार्क्स का, कंपलसरी में आसान क्वेश्चन था, बट ऑब्वियसली अगर नहीं करा होगा तो आपके पास नंबर चले जाएंगे। तो उसका हम अपने पास जो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल समझते हैं, कहता है यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है लिमिट में, अगर कोई भी एक फुलफिल हो गई तो आप रिपोर्टेबल सेगमेंट, कोई भी एक वर्ड है, एनी, ऑल नहीं है, बस ध्यान रखना कोई भी एक। तो क्या कंडीशन है बेटा, पहली है रेवेन्यू बेस, कहता है अगर सेगमेंट का रेवेन्यू 10% या किससे ज्यादा है टोटल सेगमेंट रेवेन्यू से, तो वो रिपोर्टेबल है। सारी सेगमेंट्स का रेवेन्यू मिला के अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल सेगमेंट रेवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा है तो रिपोर्ट बनेंगे।
जनरली ना, वैसे मैं आपको बोलता हूँ, टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अलग अलग जॉन पढ़ते हैं, जनरली अगर मैं सब्सटेंशियल को डिफाइन करता हूँ ना, कोई चीज सब्सटेंशियल है, तो अब ज्यादातर आपको सुनने को मिलता है 20% को ज्यादातर जगहों पे बोला जाता है सब्सटेंशियल, अलग अलग जगहों पे बात कर रहा हूं मैं। यहां पर हमने सब्सटेंशियल को जो एक तरीके से डिफाइन किया है कि भाई हम किसको अहम मान रहे हैं, तो 10% इज द क्राइटेरिया, 10% इज द क्राइटेरिया बेटा, ठीक है। एक कंडीशन है रेवेन्यू, एक है बेसा एसेट बेस, कि अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के एसेट्स 10% या उससे ज्यादा है किससे, टोटल सेगमेंट एसेट्स से, तो वो रिपोर्टेबल बन जाएगी। और तीसरी है अगर सेगमेंट का रिजल्ट 10% या उससे ज्यादा है किससे, टोटल सेगमेंट के प्रॉफिट या लॉस, विच एवर इज हायर, ठीक है ना बेटा। ये एएस का ही मैराथन चल रहा है, तो आपके पास अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने क्या करना है, यहां पर इसको समझना है। सर एग्जाम्पल से समझाइए, एग्जाम्पल से समझाइए, तो आइए बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट को। आपके पास पहला क्राइटेरिया है रेवेन्यू बेस्ड, रेवेन्यू बेस में क्या बोला, रेवेन्यू बेस में मैंने कहा अगर सेगमेंट का रेवेन्यू 10% या टोटल सेगमेंट रेवेन्यू से अगर ज्यादा है, बराबर भी है तो भी आएगा बेटा, बराबर भी है, इक्वल टू नहीं, आपके ग्रेटर देन नहीं, इक्वल टू भी है। हमने क्या करना है, सारी सेगमेंट्स के रेवेन्यू को करना है बेटा पहले एड, तो पहले ऐड करेंगे, कितना बना बेटा 600 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 120 प्लस 80, टोटल बन गया बेटा 1500, टोटल बन गया, इसके बाद टोटल बन गया जी 1500, ठीक है जी। अब जिस भी सेगमेंट का रेवेन्यू, जिस भी सेगमेंट का रेवेन्यू मोर देन इक्वल टू 150 है बेटा, 150 या उससे ज्यादा है, वो रिपोर्टेबल हो गई, वो रिपोर्टेबल होगी। तो कौन कौन सी रिपोर्टेबल है बेटा, 10% करा ना हमने, 1500 का 10% 150, तो वो कौन सी होगी, क्या ये रिपोर्टेबल है, यस, क्या ये रिपोर्टेबल है, यस, क्या ये रिपोर्टेबल है, यस, और ये रिपोर्टेबल नहीं है, ये रिपोर्टेबल नहीं है, ए बी सी को ही रिपोर्ट करना है, बट दिस इज ओनली वन ऑफ द क्राइटेरिया, दिस इज ओनली वन ऑफ द क्राइटेरिया। हो सकता है डी और ई शायद कोई और क्राइटेरिया फुलफिल कर दे, पर रेवेन्यू वाले क्राइटेरिया से वो रिपोर्टेबल नहीं है। अगला देखते बेटा एसेट वाला, एसेट वाला भी आसान है, अगर सेगमेंट के एसेट 10% या उससे ज्यादा किससे, टोटल सेगमेंट एसेट से, तो टोटल करिए बेटा, टोटल करके बताइए मुझे कितना बना, सर 700 प्लस 800 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 250, तो टोटल बना बेटा 2000, टोटल बना 2000, बिल्कुल सही। अब 2000 का 10% कितना बना जी 200, तो जिस भी सेगमेंट के एसेट्स 200 या उससे ज्यादा है वो रिपोर्टेबल हो गई, जिस भी सेगमेंट के 200 या उससे ज्यादा है वो रिपोर्टेबल होगी। तो बेटा कौन कौन सी रिपोर्टेबल है, पहली रिपोर्टेबल है, दूसरी रिपोर्टेबल ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, सो ए बी और ई, ए बी और ई आपके पास, ठीक है ना। सो ये हमारे पास बात आ रही है बेटा कि सेगमेंट के एसेट्स आपके पास जो आ रहे हैं, सेगमेंट का रेवेन्यू आपके पास आ रहा है, और एक आपके पास आ रहा है सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस। ये वाली कंडीशन में थोड़ा सा बेटा मेरे साथ ध्यान से समझना है, ये वाली कंडीशन में मेरे साथ बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, किसी सेगमेंट का प्रॉफिट भी है, किसी सेगमेंट का बेटा लॉस भी है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब यहां पर हमने नेटिंग नहीं करनी, अगर मैं नेटिंग करूंगा बेटा तो नेटिंग कितनी हुई, नेटिंग कितनी हुई बेटा आपके पास 550 प्लस 450 माइनस 95 प्लस 100 माइनस 135, अगर नेट करोगे ना बेटा शायद 870 आता है आपके पास, अगर नेट करोगे, अगर नेट करोगे, पर ये नहीं करना। फिर आप बोलोगे 87 या उससे ज्यादा, बेटा फिर तो माइनस वाली कभी रिपोर्टेबल ही नहीं होगी, माइनस वाली तो वो तो नेगेटिव ही चली गई। तो यहां पे बड़ा लॉजिक से बात कर भाई, माइनस जिसका लॉस आ रहा है वो भी अहम सेगमेंट हो सकती है, तो वो रिपोर्टेबल कैसे बनेगी, हमने क्या करना है। तो यहां पर उसने बोला आपने प्रॉफिट को अलग से ऐड करना है सिर्फ, और लॉस को अलग से ऐड करना है, प्रॉफिट को अलग से, लॉस को अलग से, तो 550 प्लस 450 प्लस 100 ये बना बेटा 1100, 95 प्लस 135 ये बना 230। आपने फिर यहां पे लिखा माइनस है, पर आपने इग्नोर करके, अब माइनस को यहां इग्नोर कर देना, नुकसान आपके, आपके पास इग्नोर, माइनस इग्नोर हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में चलेंगे। इन दोनों में से पहले देखो हायर कौन सा है,
और ये एब्सोल्यूट टर्म से देखना है, नहीं तो आप हमेशा ही बोलोगे सर प्रॉफिट वाला ज्यादा है। बेटा अगर लॉस आपका नेगेटिव में 1200 बन रहा होता तो वो हायर होता, एब्सोल्यूट में देखना है तो एब्सोल्यूट में हायर 1100 है। अब क्या करना है, हमने 1100 का 10% करना है, विच इज आपके पास 110। और जिस भी सेगमेंट की वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में, कौन से टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में, मतलब कि लॉस वाला वो माइनस को भूल जाओ, नेगेटिव को, जिस भी सेगमेंट की एब्सोल्यूट टर्म वैल्यू 110 या उससे ज्यादा है वो रिपोर्टेबल है। तो कौन कौन सी बेटा, ए बी, ये नहीं है, ये नहीं है, और ई, ये आपके पास सारी क्या आ गई, रिपोर्टेबल आ गई, ए बी और ई, ए बी और ई आपके पास रिपोर्टेबल आ गई, ठीक है बात। तो ये हमने क्या करी बात बेटा, ए बी और ई आपके पास बन गई रिपोर्टेबल, ये हमारी बन रही है प्रॉफिट लॉस वाले क्रेडिट से। अगर मैं सारों को देखूं बेटा, अभी जो एएस कर रहे पहले उस पर ध्यान देंगे, करने को तो बेटा सारे ही एएस है, तो प्लीज योगेश बेटा जब होगा मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी अभी, ठीक है। अभी हम AS 17 कर रहे हैं, उस पर पूरा फोकस करो, पेपर में क्वेश्चन किसी भी एएस से आ सकता है, करेंगे धीरे धीरे, सारे करवा रहा हूं आपको। चलो जी, तो आपके पास अब अगर ये मैं पूछूं आपसे कौन कौन सी रिपोर्टेबल है, सर सारों से देखो, पहले पहले वाले से कौन कौन सी आ रही थी, ए बी सी, तो ये तीनों तो है ही, क्या अगली वाली में कोई और ऐड हुई, यस ई भी ऐड होगी, तो ए बी सी और ई बन गई, और यहां पे कौन सी आई, ए बी और ई है, तो फाइनल हमारा कंक्लूजन आया ए बी सी और ई रिपोर्टेबल है, क्योंकि आपके पास कोई भी कंडीशन फुलफिल कर देनी चाहिए तो वो रिपोर्टेबल है, या रेवेन्यू की, या एसेट की, या प्रॉफिट लॉस की। ऐसा नहीं है कि ऑल लिखा है, क्या लिखा है आपके पास एनी कंडीशन लिखा है, ठीक है ना। अब आपके पास कई वाली बात समझ आई, यस सर ये बात समझ आ गई। तो हमने क्या पढ़ा था कि लिमिट्स आपके पास क्राइटेरिया कोई भी एक फुलफिल कर दी, एनी, तो ये और है बेटा, एनी लिखा हुआ है मैंने बड़ा क्लियरली, तो ये हो गया। साथ के साथ अगला है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई सेगमेंट पिछले साल रिपोर्टेबल थी क्योंकि उसने पिछले साल तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करी होगी, पर इस साल तीनों में से कोई भी नहीं करी तो इस साल रिपोर्टेबल नहीं है वो वैसे। पर यहां पे स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, जो सेगमेंट पिछले साल रिपोर्टेबल थी क्योंकि उसने पिछले साल लिमिट फुलफिल कर दी थी, तो इस साल क्योंकि हम कंपैरेटिव्स क्योंकि करते हैं तो इस साल भी ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल हो गई इस साल के लिए, अगले साल नहीं होगी क्योंकि इस साल वो लिमिट्स नहीं कोई फुलफिल कर रही, वो सिर्फ पिछले साल की वजह से हो रही है। तो जिसने पिछले साल लिमिट क्वालिफाई करी थी वो आपकी करंट ईयर में रिपोर्टेबल साथ में हो जाएगी कंपैरेटिव। और इसके अलावा अगर मैनेजमेंट किसी और सेगमेंट को चाहती है रिपोर्ट करना तो मर्जी है भाई, हम तो ये बता रहे हैं कम से कम किसको करना है, आपकी मर्जी, आप ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन कहा जाता है कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है आपकी वो कम से कम आपकी सेल्स का 75% को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो जितनी आपकी टोटल रेवेन्यू है, टोटल सेल्स है, उसका 75% कम से कम रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के थ्रू आपका रिपोर्ट हो जाना चाहिए। अगर वो बाय चांस नहीं हो पाता, मान लो कि आपके पास जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है उनके अगर मैं टोटल रेवेन्यू को काउंट करो, टोटल सेल्स को काउंट करो, वो 70% ही बनता है टोटल सेल्स का, क्योंकि बाकी सारी नॉन रिपोर्टेबल है जिनका 30% बनता है। तो आपको और सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल में लेके आना पड़ेगा जिससे कि कम से कम 75% रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के थ्रू आपका रिफ्लेक्ट हो सके। तो इफ लिमिट नॉट अटेंड देन सिलेक्ट द फर्दर सेगमेंट, ठीक है ना। हाँ जी, ये आपके पास क्लियर है, अच्छा जी ये बिल्कुल बात आपके पास क्लियर होगी। देन सर अगली बात आती है, आपने हमें कहा था कि हम अपने पास सेगमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, यस सेगमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। सेगमेंट रिपोर्ट में मैंने कहा था जो प्राइमरी होगी उसके 7 डिस्क्लोजर देने, जो सेकेंडरी होगी उसके कितने डिस्क्लोजर देने बेटा, 3 डिस्क्लोजर देने। तो जो प्राइमरी है उसके 7 डिस्क्लोजर कौन कौन से बेटा, 7 डिस्क्लोजर वैसे है, सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट का रिजल्ट, सेगमेंट के एसेट्स, सेगमेंट की लाइबिलिटीज। तो रेवेन्यू, रिजल्ट, रिजल्ट मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कितने फिक्स एसेट इस साल में सिर्फ एक्वायर करे, कितनी डेप्रिसिएशन का खर्चा और कितना और खर्चा है डेप्रिसिएशन के अलावा नॉन कैश एक्सपेंस अगर कोई और है।
तो ये चीजें आपको बतानी है, सात चीजें अगर वो प्राइमरी है। पर अगर वो सेकेंडरी में आ रही है, मान लो बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी थी और आपके पास ज्योग्राफिकल सेकेंडरी है, तो प्राइमरी आपके बिजनेस सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज आप सात चीजें बताओगे, पर एरिया वाइज कितनी चीजें बताओगे? तीन। और वो कौन कौन सी है? रेवेन्यू, एसेट्स और कितने फिक्स्ड एसेट एक्वायर करें। बाकी बताने की जरूरत नहीं है चीजें, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास 7+3 डिस्क्लोजर आपको देने पड़ते हैं अगर प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अच्छा सर, यहां पे अब अगली चीज आती है, ये चीजें हमने निकालनी कैसे और फॉर्मेट कैसे बनता है, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते। तो बेटा यहां पर अगर मैं जनरल बात करूं, जो सेगमेंट रेवेन्यू है, जो सिर्फ सेगमेंट का रेवेन्यू, और अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा थोड़ा सा, डोंट वरी, आपके पास डोंट वरी, सेगमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो सेगमेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो उसमें सेगमेंट ने जो भार लोगों को बेचा, जो अपोर्शन सेल्स है, अपोर्शन सेल्स का मतलब क्या होता है, मान लो तीन सेगमेंट्स ने मिलके 1,00,000 की सेल करी, एक तो सेगमेंट ने जो खुद बेचा भार वो है, एक सेगमेंट ने आपके पास तीन सेगमेंट्स ने मिलके 1,00,000 की सेल करी, तो एक रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 5:3:2, तो वो हो गया अपोर्शन, जो मिलके करा उसको एक हिस्से में बांट दिया। और एक इंटर सेगमेंट, इंटर सेगमेंट का मतलब एक सेगमेंट ने जो दूसरी को बेचा, बेटा वो उस सेगमेंट की सेल तो है ना, उस सेगमेंट की सेल तो है, टोटल एंटिटी की सेल में नहीं आएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, पर उस सेगमेंट की में तो आएगा ना। इसके अंदर क्या क्या नहीं आता? कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम है अगर, कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम है ऑब्वियसली फाइनेंशियल नेचर की, या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आपके पास बेचा उसका जो प्रॉफिट वगैरह है, ठीक है। सिमिलर तरीके से बेटा, सिमिलर तरीके से सेगमेंट का एक्सपेंस में क्या क्या आता है? खर्चे आगे, उसके डायरेक्ट खर्चे आगे, अपोर्शन खर्चे आगे, अपोर्शन का मतलब जो इकट्ठे में किया गया था और उसे बांटा जा रहा है, अपोर्शन एलोकेटेड आप कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए, और इंटर सेगमेंट कि आपने दूसरी अगर सेगमेंट से खरीदा तो आपके लिए खर्चा हो गया, उसके लिए रेवेन्यू हो गया था, तो वो आ गया, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या नहीं आएगा? फिर से, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी खर्चा अगर है, इंटरेस्ट का खर्चा अगर है, इनकम टैक्स का एक्सपेंस नहीं आएगा, और एडमिन और एचओ के खर्चे नहीं आएंगे क्योंकि वो हेड ऑफिस के रिलेटेड हो गए, हम सिर्फ सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपके पास चीज नहीं आएगा, ठीक है। देन सेगमेंट के एसेट्स में आपके पास क्या क्या चीजें आती है, यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। सेगमेंट के फिक्स और करंट एसेट्स आएंगे दोनों, फिक्स और करंट दोनों, एसेट्स का मतलब दोनों है, डायरेक्टली वाले भी और एलोकेटेड वाले भी, डायरेक्टली वाले भी और एलोकेटेड वाले भी। डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या चीजें? इनकम टैक्स एसेट, इनकम टैक्स का एसेट मतलब हो गया बेटा डेफर्ड टैक्स एसेट, जो एएस नंबर 22 के द्वारा क्रिएट करा जाता है, वो यहां पर नहीं आएगा, अभी हम क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिकल इसका, इसके बाद ही जस्ट बता देता हूं। और जो एसेट्स एचओ के लिए इस्तेमाल हो रहे। सिमिलरली लाइबिलिटीज में आपके पास क्या क्या आएगी? जो सेगमेंट की ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज है, इसके अंदर क्या नहीं आएगा? कि इनकम टैक्स की लाइबिलिटी या जो भी पैसा बोरो किया है फाइनेंसिंग पर, लोन वगैरह लिया हुआ है, अगर वो नहीं आएगा। और ये चीजों से रिलेटेड आपके पास मैं बात कर रहा हूं, ये लिखी भी जरूर है पर इतने आपके पास चीजें बारीकी से इस स्टैंडर्ड में नहीं आती, बारीकी वाली नहीं आती आपके पास ज्यादातर। और आपके साथ में लिखा गया सेगमेंट का रिजल्ट क्या होता है बेटा? रेवेन्यू माइनस खर्चा। ऑब्वियसली अगर मुझे सेगमेंट का प्रॉफिट जानना है तो दैट विल बी सिंपल, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। सर एक क्वेश्चन करा दीजिए इससे रिलेटेड, एक क्यों बेटा, दो क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, एक है बेटा जनरल क्वेश्चन, एक है बेटा जनरल क्वेश्चन, हाँ जी एक है बेटा जनरल क्वेश्चन, पहले उसको अपने पास बात करेंगे, ठीक है। मैं डाउट्स आपके लूंगा बेटा अभी, जस्ट वेट, पहले हम मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको करा दूं। मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड की तीन सेगमेंट्स हैं, एक्स वाई और जेड तीन सेगमेंट्स हैं, टोटल एसेट्स कंपनी के जो है वो 10 करोड़ है, एक्स के 2 करोड़ के हैं, वाई के 3 करोड़ के और जेड के 5 करोड़ के, और डेफर्ड टैक्स एसेट जो इसमें जुड़े हुए है, जुड़े हुए है, इंक्लूडेड है, वो है एक्स का 0.5, वाई का 0.4 और जेड का 0.3। कह रहा है अकाउंटेंट, कहता है सारी सेगमेंट्स रिपोर्टेबल है, आप कमेंट करिए। बेटा हमें यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने 10% का 10% नहीं करना। देखो रेवेन्यू और प्रॉफिट लॉस तो दिया नहीं तो वो लगा नहीं सकते, एसेट्स पे ही क्राइटेरिया है। बड़ा क्लियरली अभी बताया था, इनकम टैक्स एसेट्स या इनकम टैक्स लाइबिलिटीज एसेट्स और लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं है, वो नहीं है स्टैंडर्ड के द्वारा, बड़ा क्लियर है। तो यहां पर जब हमने सेगमेंट एसेट्स टोटल में लेने हैं या हमने इंडिविजुअली लेने हैं तो उसको एक्सक्लूड कर देना है। तो बेटा जब टोटल में लोगे तो 10 करोड़ में से क्या करेंगे बेटा, ये 0.5
0.4 और 0.3 हो गया माइनस, तो ये तीनों माइनस करके कितना बना, 8.8 करोड़। दिस इज योर टोटल एसेट्स, दिस इज योर टोटल एसेट्स। नाउ ये आपके पास आते हैं टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स का हमने क्या करना है बेटा, 10%। अब 10% कितना बनेगा इसका, 0.88 करोड़, 0.88 करोड़, दैट इज योर 10%। अब क्या ये 2, 3 और 5 से कंपेयर करेंगे, नहीं, उनके में भी तो आपका इनकम टैक्स एसेट माइनस होना है। तो 2 में से 0.5 माइनस हुआ है 1.5, 3 में से 0.4 माइनस हुआ 2.6 और 5 में से 0.3 माइनस हुआ तो ये आ गया 4.7। क्या ये वैल्यूज 0.88 से बराबर या उससे ज्यादा है? यस सर, बिल्कुल ज्यादा है। तो सारी की सारी बेटा क्या हो गई, रिपोर्टेबल हो गई। ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। क्यों? क्योंकि वो 10% से ज्यादा आपके पास आ रही है वैल्यू। पर सिंपली टू से क्वेश्चन बेटा आया हुआ भी आरटीपी वगैरह में भी, तो प्लीज इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको बताते जाऊंगा, क्वेश्चंस बड़े आसान लेवल के चाहे स्टैंडर्ड में से आते हैं, बट फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं, तो वो ध्यान जरूर रखना है। तो वो 10% आपके पास जो क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए सेगमेंट एसेट में बेटा इनकम टैक्स एसेट नहीं लेना, इनकम टैक्स एसेट नहीं लेना, ठीक है ना। इसके अलावा, इसके अलावा एक बेटा और क्वेश्चन कराता हूं, जो क्वेश्चन ना, जो क्वेश्चन जो है एक आरटीपी में बेसिकली आपके पास था, दिस इज ऑफ आरटीपी का क्वेश्चन है बेटा। वैसे तो नवंबर 18 के आरटीपी का क्वेश्चन है, मैं फिर भी इसलिए करा रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको पता चल जाएगा। यहां पे बस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेगमेंट के रिजल्ट बता दीजिए, सेगमेंट के रिजल्ट, सेगमेंट के रिजल्ट हमें बताने हैं। रिजल्ट का मतलब क्या, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। बड़ी प्लेन क्वेश्चन है, बड़ा प्लेन क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहां पे बेटा हमारे पास रेवेन्यू के अंदर क्या, देखो तीन सेगमेंट्स है, ए बी सी और टोटल रेवेन्यू के अंदर एक तो आ गया बेटा डायरेक्ट रेवेन्यू, विच इज योर एक्सटर्नल सेल, विच इज योर एक्सटर्नल सेल, ठीक है ना। तो ये 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख तो बेटा आएगा ही एज इट इज, ठीक है सर, ये बिल्कुल आएगा। तो मैं यहाँ पे आंसर में क्या है इसको टिक करता जाता हूं। हमारे पास सेगमेंट रिजल्ट आना, यस सर आना, रेवेन्यू में डायरेक्ट रेवेन्यू आ गया 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख और टोटल 9 लाख। अच्छा जी, देन इसके बाद जो टोटल एक रेवेन्यू एंटरप्राइज का है जिसे बांटा जा रहा है, जो मैंने कहा था आपके पास एलोकेटेड आपके पास है, तो 1,10,000 को रेशियो बता दी 5:3:2 की, तो बांट दीजिए 5:3:2 की रेशियो में अपने पास बांट दो, तो 50-40-20 आपके पास बेटा वो चीज आ गई जो हमने डिवाइड कर दिया। और एक आ गया इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, वो भी क्वेश्चन आपको दे रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शंस विद अदर सेगमेंट्स। तो बस बेटा आपने टोटल करके डालने, टोटल करके डाल दो या अपने पास जो इंडिविजुअली करके डाल दो, ये है जो दूसरी सेगमेंट्स को आपने एक तरीके से सेल करी वो आ गया 110, 75 और 150 एज इट इज, आपने अपने पास जो है दिखा दी। इन सारों को ऐड करोगे तो बेटा क्या निकल के आया, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू एज पर AS 17, ये आपने करा टोटल 660, 415, 270 और ये हो गया टोटल। दिस इज एक बार के लिए क्या है, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। इसमें से खर्चा माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सेगमेंट रिजल्ट, ये हमें करना है सेगमेंट रिजल्ट। अब इसमें आपके पास क्या क्या खर्चे है, फिर से वही आपके पास ऑपरेटिंग खर्चे है जो डायरेक्ट आपके हो गया 3,150,75, तो ये डाल देते हैं अपने पास 3,150,75 ऑपरेटिंग खर्चे बेटा आ गया आपके पास 525, तो ये आपके पास खर्चे आ गए। देन जो एलोकेटेड आपके पास खर्चे आ रहे हैं, तो एलोकेटेड में आपके पास 77 का खर्चा है टोटल में 542 में बांटना है, तो 77 को 542 में हमने अपने पास डिवाइड कर दिया, तो जब आप डिवाइड करेंगे बेटा तो वह आपके पास निकल के आता है 35,28,14, 77 को डिवाइड कर दिया 542 में, 542 में आपने। और फिर फाइनली आपके पास है जो इंटर सेगमेंट का आपके पास खर्चे की बात कर रहे हैं, वो भी जो फिगर दे रखी है वो एज इट इज ही आपके पास आ जाएगी, मतलब डायरेक्ट फिगर दे रखी है आपने, बस उन्हें डालना है बेटा। तो 75 और 6 है, 40 और 18 है, 30 और 82 है, ये आपके पास सेगमेंट। मैंने क्या बोला, सिर्फ प्लेन क्वेश्चन था, तीन रेवेन्यू की चीजें, तीन खर्चे की चीजें, रेवेन्यू का टोटल किया, अब आपने किसका टोटल किया अपने पास, आपने बेटा खर्चे का टोटल किया, और आपने खर्चे का टोटल करके फाइनली क्या निकाल लिया अपने पास, सेगमेंट का रिजल्ट, विच इज योर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, वो सिंपल है। तो क्या इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं, ये क्यों किया, क्योंकि सेगमेंट का मैंने जैसे बताया था बेटा रिपोर्टिंग में,
सेगमेंट का आपके पास रेवेन्यू भी आ रहा होता है, सेगमेंट का रिजल्ट भी दिखाना होता है, हमें रिजल्ट भी दिखाना है, सेगमेंट एसेट दिखाने हैं, सेगमेंट कितने फिक्स एसेट्स एक्वायर करे, उसकी डेप्रिसिएशन है, लायबिलिटीज है और नॉन कैश एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन है, तो वो सेवन चीजें दिखानी होती है ना, तो उसकी वजह से हमें ये कंप्यूटेशन करनी आनी चाहिए, तो वो आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है बात। अच्छा सर, इसके अलावा आपके पास जो है ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत पॉपुलर है, रिपीटेडली इन द आरटीपी आता है, कहता है मैंने अभी तक कहीं पे ये बात करी, मैंने अभी तक ये कहीं पे बात करी बेटा कि क्या एक सेगमेंट को दूसरी सेगमेंट को कॉस्ट पे ही देना है या मार्केट प्राइस पे ही देना है? नहीं, हमने सर ऐसी कहीं बात नहीं करी। स्टैंडर्ड भी बड़ी क्लियरली कहता है आप जब दूसरे सेगमेंट को दे रहे हो तो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी प्राइसिंग पे दो, बट जो भी प्राइसिंग कर रहे हो एक तो कंसिस्टेंटली फॉलो करो और दूसरा अपना डिस्क्लोजर बता दो भैया हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो उसी को लेके क्वेश्चन है रिपीटेडली इन द आरटीपी, इसलिए रिवाइज हम अपने पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कंपनी का इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी है चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 5%, तो 100 की चीज को हम 95 में देते हैं कॉस्ट में से 5% माइनस करके, वैसे जो मार्केट प्राइसेस है वो 20% अबव कॉस्ट है। नॉर्मली आप 100 की चीज को 120 में बेचते हो मार्केट में, तो क्या ये पॉलिसी जो कंपनी की है वो सही है बताइए। तो बेटा मैंने जैसे अभी बताया आप जो मर्जी पॉलिसी रखिए दूसरी सेगमेंट को देने के लिए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही पॉलिसी है, पर कंसिस्टेंटली फॉलो किया जा रहा है उसे आपने डिस्क्लोजर दे रहे हो। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग कहता है इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स को मेजर करना चाहिए दैट द एंटरप्राइज एक्चुअली यूज टू प्राइस दिस ट्रांसफर, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स को उसी वैल्यू पे दिखाओ जिस वैल्यू पे एक्चुअली में गुड्स भेजे। देखो अगर आप भेज रहे हो मान लो 100 की चीज को 120 में और दिखा रहे हो 95 में, फिर बात गलत है। आप जितने में भेज रहे हो उतने में ही दिखाओ। तो वो कह रहा है बेसिस जो है कोई भी चेंज है वो क्या कर दो, बस डिस्क्लोज कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हेंस द एंटरप्राइज कैन हैव इट्स ओन पॉलिसी फॉर प्राइसिंग इंटर सेगमेंट एंड इट मे बी बेस्ड ऑन कॉस्ट, वो कॉस्ट पे भी हो सकता है, बिलो कॉस्ट और मार्केट प्राइस, आप कॉस्ट पे भी दे सकते हो, कम पे भी दे सकते हो, मार्केट प्राइस पे भी। विच एवर पॉलिसी इज फॉलोड सेम शुड बी डिस्क्लोज एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली। तो अगर इस केस के अंदर वो कम पे दे रहे हैं तो वो अगर कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं बेटा तो आपके पास वो करेक्ट है, अगर कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसमें कोई गलत चीज नहीं है अगर वो कॉस्ट से कम पे भी दे रहे, बकायदा बस वो उस पॉलिसी को यूनिफॉर्मली अपने पास फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं बार बार, और उसका डिस्क्लोजर कर रहे हैं कि हमारी ये पॉलिसी है एक सेगमेंट दूसरी सेगमेंट को जब गुड्स देती है तो, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई हमारे पास। एक और जनरल क्वेश्चन जो कि हमारे पास बेटा इंस्टीट्यूट के मटेरियल वगैरह में आपके पास गिवन है, तो ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, ये भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपसे। माइक्रोटेक लिमिटेड बैटरीज बनाता है स्कूटर कार ट्रक्स के लिए और स्पेशलाइज बैटरीज भी बनाता है इन्वर्टर और यूपीएस के लिए। तो स्कूटर कार ट्रक के लिए बना रहे मतलब मोटर व्हीकल्स के लिए बैटरी बना रहे और स्पेशल बैटरीज बना रहे इन्वर्टर और यूपीएस के लिए, कितनी सेगमेंट्स उसकी होनी चाहिए और क्यों? तो बेटा हमने कहा था हम अपने पास इस हिसाब से सेगमेंट्स करते हैं। यहां पे देखिए ऑब्वियसली बिजनेस सेगमेंट की बात होगी, ज्योग्राफिकल की तो उसने बात ही नहीं करी, एरिया वाले की तो बात नहीं करी। अब हम अपने पास ये नहीं बोलेंगे कि पांच प्रोडक्ट्स के नाम दे दे तो पांच ही सेगमेंट्स होगी, हमने देखना रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के नजरिए से, तो हम इसमें एडवाइस करते। बाकी तो आप देखिए हम अपने पास आंसर किस तरीके से देते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो हम ये बोलते हैं भाई जो मोटर व्हीकल्स वगैरह जो व्हीकल सेगमेंट है उसकी जो आप बैटरीज बना रहे हो उसकी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मोर और लेस आपके पास सेम है एज कंपेयर टू जो इन्वर्टर यूपीएस बना रहे हो उसके लिए अलग है। तो बेसिक प्रोडक्ट तो बैटरीज है पर रिस्क एंड रिटर्न्स जो बैटरीज का ऑटोमोबाइल के लिए है और जो बैटरीज फॉर इन्वर्टर यूपीएस का वो अफेक्ट करता है डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर से। ऑटोमोबाइल में रिस्क एंड रिटर्न इफेक्ट होता है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, रोड की क्या कंडीशन है, ऑटोमोबाइल्स की क्या क्वालिटी है, जबकि इन्वर्टर यूपीएस में किससे अफेक्ट करता है पावर की कंडीशन क्या है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ऑब्वियसली अमीर लोग हैं तो ऑब्वियसली आपके पास महंगी वाली आपके पास बात करते हैं इन्वर्टर बैटरीज अपने पास अच्छी कंपनीज की बड़ी लगवाते हैं, नॉर्मल लोग नहीं लगवाते हैं। देयरफॉर इट कैन बी सेड कि इनकी दो बिजनेस सेगमेंट्स है, एक ऑटोमोबाइल बैटरीज और एक बैटरी फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस। तो हमारा आंसर क्या बना, दो। अब ये क्वेश्चन इसलिए कराना बेटा मेरे लिए जरूरी था क्योंकि गिवन है आपके स्टडी मटेरियल वगैरह में
आरटीपी में भी आया हुआ है बेटा क्वेश्चन। तो हमें क्या है, जरूरी है ये बात कि इस टाइप का क्वेश्चन एक मैं आपको करा दूं, ये हमारे लिए जरूरी था कि हम इस टाइप का एक बार के लिए क्वेश्चन अपने पास जरूर करें बेटा। क्या यहां तक हमारे पास बात क्लियर हुई? क्या यहां तक हमारे पास बात क्लियर हुई? यस सर, हमारे पास बात बिल्कुल क्लियर होगी। एक साथ के साथ या आपको मैंने फॉर्मेट यहां पे बेटा दे रखा है, जिसका चांसेस जैसे मैंने कहा आपके पास कम रहते हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल में जरूर है, किससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन वैसे दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आया नहीं कभी, ठीक है, तो आप अपने पास देख जरूर सकते हैं अपने पास कि जिसमें फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट क्या बनना है, सिंपली हमारी जितनी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है बेटा उनकी वैल्यूज आ जाएगी, और जो बची हुई है वो सारी अलग से दिख जाएगी इन टोटेलिटी। अब हमने क्या करना है, सेवन चीजें जहां दिखानी थी प्राइमरी में, तो सेगमेंट का रेवेन्यू आया अलग अलग वो दिखा दिया, सेगमेंट का रिजल्ट दिखा दिया, और इसमें मैच करते रहते हैं जो हमारे पीएनएल में वैल्यूज है, तो रेवेन्यू आपके पास आ गया। तो रेवेन्यू में क्योंकि इंटर सेगमेंट सेल आती है, इस वजह से हमने इंटर सेगमेंट को टोटल में से एक बार के लिए माइनस कर देते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल में तो आ रही है ना, तो टोटल में से माइनस करूंगा तो ही तो ये वाली वैल्यू जो आपके पीएनएल में आ रही होगी उससे मैच करेगी ना, क्योंकि इंडिविजुअल में जोड़ रहे हो पर टोटल में तो कैंसल आउट होगी, इसलिए सेगमेंट का बेटा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट मतलब जो अभी बताया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, और जो चीजें एलोकेट नहीं करी उसको प्लस या माइनस कर देंगे, जो खर्चे इनकम हमने नहीं लिए थे। सिमिलरली सेगमेंट के एसेट्स आ गए प्लस अनएलोकेटेड करते हुए, सेगमेंट ने कितने फिक्स एसेट्स खरीदे उनकी लाइबिलिटीज आ गई जो प्लस अनएलोकेटेड करते हुए, डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंस। तो वो इंडिविजुअली एक एक करके दिखाना है जितनी भी रिपोर्टेबल सेगमेंट। मेन चीज क्या याद रखने वाली है, मेन चीज जो स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ना, एक आपने याद रखना है बेटा, बिजनेस सेगमेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या बेस है, प्राइमरी सेकेंडरी के नंबर ऑफ डिस्क्लोजर्स कितने और वो क्या डिस्क्लोजर्स है। फिर आपके लिए सबसे अहम है रिपोर्टेबल सेगमेंट वाला जो प्रैक्टिकल पार्ट था, 10% का क्राइटेरिया रेवेन्यू पे, एसेट पे और प्रॉफिट लॉस विच एवर इज हायर वाला क्राइटेरिया। देन आपके पास था एक जो मैंने आपको डेफर्ड टैक्स एसेट वाला क्वेश्चन कराया कि सेगमेंट एसेट्स में डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं आते, या लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी नहीं आती आपकी जो इनकम टैक्स की है, तो वो चीज का ध्यान रखना है। बाकी सेगमेंट रिजल्ट क्या, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, तो उसका भी हमने क्वेश्चन कर लिया, और बाकी हमने एक दो थ्योरी क्वेश्चन और कर लिए। तो इसके साथ आपका एक बार के लिए क्या है, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं था, बट हमारे पास जितना बनता है एक बार के लिए, मतलब पेपर के टाइम पे फटाफट रिवीजन के लिए, तभी तो मैंने मैराथन रिवीजन सुपर रिवीजन बोल रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से आपके स्टैंडर्ड की रिवीजन क्या होती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है हमारा। हाँ जी, तो आपके पास क्या है स्टैंडर्ड की रिवीजन बेटा, आपको समझ आ गई अच्छे से, इज इट ओके विद यू? ताकि हम बेटा अगले वाले स्टैंडर्ड पे चले, हम अगले वाले स्टैंडर्ड पे चले। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, नोट्स जो है वो नोट्स आपके पास जो है बाद में अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक आपके पास आ जाएगा जिसके अंदर जो भी स्टैंडर्ड्स है उसके आपके पास आ जाएंगे, एंड वो लिंक बेटा एक ही है बेसिकली, जो पिछले भी रिविजन वाले में थे उसी में डलते जा रहे हैं, वो अगले वाले भी स्टैंडर्ड्स के मैं पीडीएफ नोट्स डाल देता हूँ, तो आप जब आज वाले में देखेंगे तो पिछले वाले भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास है। नाउ अगला स्टैंडर्ड हम अपने पास बेटा जो रिवाइज करने जा रहे हैं, अगेन थ्योरी ज्यादा हद तक और प्रैक्टिकल भी कुछ पार्ट यहां पे है, इसका भी रिलेटेड क्वेश्चन में बेटा आता है, इसका भी क्वेश्चन बेटा पेपर के अंदर आता है। युक्ता बेटा आपके पास जो है, मैं एएस जो है बेटा अभी के लिए एएस नंबर 17 ने करा, और दूसरा हम एएस नंबर 9 अपने पास करेंगे, एएस नंबर 9 अपने पास करेंगे। नेहा बेटा हमने जो अपने पास जो है चार एएस हमारे पिछले पिछले दो लेक्चर्स में कर चुके, आज ये पांचवा एएस था, अब ये छठा एएस चलने जा रहा है, मैं डेली के एटलीस्ट दो एएस अभी रिवाइज कराते जा रहा हूं आप लोगों को, और आप पूरी कोशिश रहेगी पेपर तक आपके बाकी सारे भी एएस हो जाए, ठीक है ना, वो भी आपके हो जाएगा। सुष्मित बेटा पूछ रहे सर, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम आउटसाइड एंटर एंटरप्राइजेस, मतलब आउटसाइड मतलब अदर एंटरप्राइजेस, देन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेगमेंट रेवेन्यू, बेटा वो इंटरेस्ट की इनकम को उसने मना ही किया है, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर के आपके पास हो जाती है, तो हम मेन रेवेन्यू को लेने की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से उसने सेगमेंट रेवेन्यू में उसे लेने से मना किया है, सेगमेंट रेवेन्यू में लेने से मना किया। बेटा बिल्कुल आपके पास रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है वो 10% क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी तो ही आपके पास होगा, और वो हमारे लिए क्या चीज थी कि बिजनेस और ज्योग्राफिकल का कैसे डिफाइंड है, वो 7 डिस्क्लोजर और 3 डिस्क्लोजर थे, डिपेंडिंग अपॉन प्राइमरी कौन से सेकेंडरी कौन सी, ठीक है।
संकेत बेटा शांति रखो। हाँ जी, इसके अलावा आपके पास जो है, हाँ सर हो ही जाएगा, आपकी स्पीड अच्छी है ना, आप सब कुछ भी कवर कर रहे हो इन लेस टाइम, थैंक यू सर। यस बेटा उपयोगिता, मेरा मेन मकसद ये है कि हम लोग जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कर सके मिनिमम पॉसिबल टाइम में, तभी मैंने क्या है चीजें क्वेश्चंस पहले से ही है लिखे हुए। मैं आपके साथ साथ अगर सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो फिर बेटा रिवीजन का क्या फायदा होगा, वो तो आप क्लासेस में पहले कर चुके ना। अभी क्या फटाफट कम से कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने हैं, वो रिवीजन में फायदा होता है ना। क्वेश्चन साथ साथ पूरे सॉल्व करने बैठूंगा फिर तो बेटा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके पास इस रिवीजन से कर रहा हूं। चलो जी अब फटाफट बेटा, आदित्य बेटा फॉर्मेट को बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, आइटम्स को याद रख लीजिए। चलो अब बेटा हम अपने पास जो है शुरू करते हैं। अगला एएस आ रहा बेटा, एएस नंबर 9 जो कि आपके पास है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपके पास जो है स्टैंडर्ड आपको ये बताने जा रहा है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। काफी बार ऐसी दिक्कत आती थी एंटिटीज के बीच में कि भाई हम किस तारीख को डेटर टू सेल की एंट्री डाले, मान लो कि हम रेवेन्यू की अगर बात कर रहे तो मैं किस दिन अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं, एंड अगर इसको लेके कोई हम चीज स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे देन इट कैन एक्चुअली रिजल्ट इन अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए क्यों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने का मेन मकसद ही ये था कि लोग अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करते जा रहे थे, तो अल्टीमेटली हम ये तो कह ही नहीं सकते थे कि भाई एक ने सही किया दूसरे ने गलत किया, तो हमें स्टैंडर्डाइज करना चीजों को पड़ा ताकि मैन्युपुलेशन जो है वो आपके पास खत्म हो सके। तो यहां पर स्टैंडर्ड का मेन मकसद आ रहा है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना, दैट इज अबाउट द टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू। सो इट डील्स विद द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इट मीन्स टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू इन द पीएनएल अकाउंट ऑफ एंटरप्राइज। एएस 9 बेटा उसका स्कोप में क्या है, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इंटरेस्ट रॉयल्टी ऑफ डिविडेंड। हम तीन चीजों की रेवेन्यू की बात करेंगे, अगर आप गुड्स बेचते हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, या आपको अलग रेवेन्यू आ रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में, रॉयल्टी के फॉर्म में और डिविडेंड के फॉर्म में। तो इन तीन हिस्सों में बेटा स्टैंडर्ड को डिवाइड किया गया। कहां कहां पे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता बेटा, बेटा ये वहां वहां पे सिंपली लागू नहीं होता जिसके बारे में, जिन चीजों के बारे में अलग से स्टैंडर्ड्स बने हुए, जैसे कि हमने अपने पास पिछले रिवीजन लेक्चर में AS 7 कराया था, तो वो कॉन्ट्रैक्टर ने कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करने वो AS 7 ने बता दिया ना, तो उस पे AS 9 लागू नहीं होगा। हायर परचेज के लिए AS 19 बताता है, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए AS 12 बताता है, और इंश्योरेंस कंपनी वालों के लिए अलग से नॉर्म्स बने होते। तो इस वजह से जिनके लिए अलग से स्टैंडर्ड और अलग से गाइडलाइंस निकली हुई है तो ऑटोमेटिकली उस पर ये AS लागू नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा एक चीज पढ़ते हैं स्पेसिफिक रूल ओवरराइड्स द जनरल रूल। सो ये एक स्टैंडर्ड जनरल हो गया पर किसी स्पेसिफिक केस के लिए हो गया, और स्टैंडर्ड अगर लगा है तो उस पर नहीं आएगा। फिर इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल जो इसमें से एक्सक्लूड हो रहे हैं, यस काफी स्टैंडर्ड्स में कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स दे रखे हैं इनकम से रिलेटेड रेवेन्यू से रिलेटेड जिनको एक्सक्लूड किया गया। मान लो फिक्स एसेट को बेचा या इन्वेस्टमेंट को बेचा तो उसका प्रॉफिट लॉस का क्या करना है, मान लो फॉरेन एक्सचेंज का गेन है तो उसका क्या करना है, तो वो स्टैंडर्ड्स बताते हैं कुछ कुछ। तो एग्जाम्पल के तौर पर रेवेन्यू के अंदर क्या क्या नहीं आएगा, रिलाइज गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट क्योंकि वो AS 10 बताते हैं, अनरलाइज गेन का मतलब रिवेल्युएशन करी और ऑटोमेटिकली तो उसकी ट्रीटमेंट AS 10 बताएगा, ठीक है ना, या AS 11 की ट्रीटमेंट बेटा जो चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से आती है। तो ये चीजों के लिए स्टैंडर्ड लागू नहीं हो रहा, ये अभी तक मैंने जो बात करी नॉन एप्लीकेबिलिटी की इतनी रेलिवेंट नहीं है। अब जो हमारे पास आ रहा है वो रेलिवेंट पोर्शन है स्टैंडर्ड का शुरू होने जा रहा है बेटा, अब हमारे पास स्टैंडर्ड आपके पास शुरू होने जा रहा है। नाउ सबसे पहले बेटा मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती है, रेवेन्यू का बेटा मतलब है ग्रॉस इनफ्लो, ग्रॉस में क्या मिलना है, चाहे नगद चाहे रिसीवेबल, आप किसी को बेच रहे हो आपको वो कैश देगा, रिसीवेबल मतलब आज नहीं दे रहा बाद में देगा डेटर जो बनता है, और अदर कंसिडरेशन बाटर सिस्टम की बात आ जाती है बेसिकली कि आपको किसी और फॉर्म में दे रहा, कैश नहीं दे रहा उधार नहीं है किसी और फॉर्म में दे रहा। Arising in the course of ordinary activities of enterprise, चाहे आप गुड्स बेच रहे हो चाहे आप सर्विस रेंडर कर रहे हो या आपको इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड की इनकम आ रही है, पर साथ के साथ उसने कुछ चीजें साथ में बोल दी। पहला ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम रिबेट को बेटा डिडक्ट करना होता है वाइल डिटर्मिनिंग रेवेन्यू। मान लो मैं बेसिकली अपने पास एक दुकान चला रहा हूं बेटा,
कस्टमर आया दुकान पे, वो कहता है ये आप पीस कितने का पड़ेगा? मैंने कहा जी 100 रुपए का पीस पड़ेगा। कहता है जी अच्छा। कहता है मैंने ना 1000 पीस लेने हैं, 1000 पीस लेने हैं, क्या तो भी आप 100 रुपए का लगाओगे? मैं कहता हूँ नहीं, मैं उस केस के अंदर डिस्काउंट दे देता हूँ 5% का, तो आपको 95 का लगेगा। तो अब मेरा रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होगा बेटा 100 × 1000 करके 1 लाख के हिसाब से होगा, और क्या डिस्काउंट को अलग से खर्चा दिखाऊंगा, या मेरा रेवेन्यू 95 × 1000 के हिसाब से 95,000 ही होगा? सर 95 × 1000 के हिसाब से होगा, तो प्लस वन में पढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को किताब में रिकॉर्ड नहीं करा जाता, जो वॉल्यूम रिबेट रेट डिस्काउंट होता है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप ये देते हैं, ये आपका रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, आप उसको माइनस करने के बाद ही दिखाते हैं, और परचेजर भी माइनस करने के बाद ही अपनी परचेज कॉस्ट रिकॉर्ड करता है बेटा, ठीक है ना। एक चीज तो ये आती है। दूसरी चीज है एक एक्सेप्शन बेटा, वर्ड था ग्रॉस इनफ्लो पर एक एक्सेप्शन डाल थी। एजेंसी रिलेशनशिप में रेवेन्यू कमीशन है, ना कि ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन। बेटा मान लीजिए एक्स लिमिटेड का अपना बिजनेस जो है वो तो बेटा दिल्ली में है। अब उन्होंने कुछ गुड्स इंपोर्ट करे और वो मुंबई पोर्ट पे पहुंच गए गुड्स। अब मुंबई पोर्ट पे जब गुड्स पहुंचे तो वहां पे बेटा इंपोर्ट ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी, जिसे आप कस्टम ड्यूटीज कहते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज कस्टम ड्यूटीज पे करेंगे। अब एक्स लिमिटेड वाला बंदा वहां पे नहीं जाएगा, वहां पे क्या होते हैं, देयर आर एजेंट्स होते हैं जो ये काम कर देते हैं हमारे बिहाफ पे, वो सारी ड्यूटीज पे कर देंगे और हमारे से कमीशन ले लेंगे, साफ काम करने की कमीशन है, एजेंट कमीशन लेके काम करते हैं। अब मान लीजिए जो उसने हमारे बिहाफ पे कस्टम ड्यूटीज पे करी वो करी 1 लाख की, और उसकी जो कमीशन बनती है वो बनती है बेटा 20,000 पे काम करने की, तो टोटल में 1,20,000 पे वो किससे लेगा? एक्स लिमिटेड से लेगा। तो एक्स लिमिटेड यहां से उसे एजेंट को 1,20,000 भेजेगी। सवाल ये उठता है एजेंट को ग्रॉस में कितने मिलने की बात हो रही है इनफ्लो? सर 120। पर मुझे ये बताइए क्या 120 उसका रेवेन्यू है जो अपने पीएनएल में लेके जाने की बात करेगा? आंसर इज नो। स्टैंडर्ड ने बड़ा क्लियर कह दिया बेटा 1 लाख तो मेयर रीइंबर्समेंट है, 1 लाख कभी भी उसका बेसिकली रेवेन्यू और खर्चे की बात नहीं हो रही, वो तो जो पेमेंट कर रहा था वो एक्स लिमिटेड के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा था। वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वहां पे एक्स लिमिटेड का नाम लिखा हुआ है। मेयर एजेंट तो बेटा अपने पास सिर्फ काम कर रहा है गुड्स को छुड़वाने की ड्यूटीज पे करने की, उसके लिए रेवेन्यू इज ओनली द कमीशन, बाकी तो उसे रीइंबर्समेंट मिल रही है, बाकी तो उसे रीइंबर्समेंट। तो एजेंट के केस में रेवेन्यू सिर्फ कमीशन है, ना कि सारे अमाउंट्स को इंक्लूड करना, ठीक है बात। सो यहां पर बेटा आती है हमारी बात रेवेन्यू, एजेंसी रिलेशनशिप में सिर्फ कमीशन है। अब हमारी बेटा यहां पर स्टैंडर्ड ने जैसे मैंने कहा 3 हिस्सों में बांटा उसे, गुड्स सर्विस और इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड। तो कंडीशंस दे रखी है, सेल ऑफ गुड्स की कंडीशन है बेटा पैरा नंबर 11 में, सेल ऑफ गुड्स की कंडीशन है पैरा नंबर 11 में, 11, 12, 13 तीन पैरा नंबर है, कोशिश करें अगर याद करने की अच्छी बात है, नहीं भी कर पाएंगे कोई कंपल्शन नहीं आप लोगों को। तो हमारे पास बेटा क्या कहता है वो, कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है उसके लिए कुछ कंडीशन है, पूरी हो जाएगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। पहला, सेलर ने ट्रांसफर कर दिया बायर को प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर अ प्राइस, या सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको जा चुके, मतलब आप ऑब्वियसली सेल कर चुके जिससे मालिकाना हक दूसरे को चला गया, तो उसके बाद मालिकाना हक दूसरे के पास चला गया, ठीक है ना। सेलर का अब कोई इफेक्टिव कंट्रोल बेसिकली उन गुड्स पे नहीं है ओनरशिप से जुड़ा हुआ, अब हमारा हक कोई नहीं उन गुड्स पे, अब ऑब्वियसली उस पर गुड्स का किसका है, बायर का। और अगली वाली जो है आपके पास चीजें वो कॉमन रहेगी, वो कॉमन है, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन। कितनी वैल्यू में गुड्स को बेचा है ये हमें पता है, डिफाइंड है, कंसिडरेशन का अमाउंट पता है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। और अगली चीज, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन, मतलब कि मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी पैसे देगी। वैसे तो अगर मैं आपसे बड़ी आसान भाषा में बात करूं तो बेटा अगर मेरे को आज ही लगता है कि मैं जिसको गुड्स बेच रहा हूं अगर वो मुझे पैसे ही नहीं देगा तो क्या मैं उसे गुड्स बेचूंगा? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। पर स्टैंडर्ड ने इसको डिफाइन जरूर किया है और इसका रेलिवेंस भी हम देखेंगे क्वेश्चन में जाके आएगा भी आगे, गुड्स में नहीं आएगा पर किसी और में जरूर आएगा। तो हम जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तभी अगर हमें सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, हमें पूरा विश्वास है कि दूसरी पार्टी से पैसे मिलेंगे, अगर आपको ये लगता है नहीं मिलेंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या है,
सेलर ने प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर दिया, सिग्निफिकेंट रिस्क वर्ड चले के, कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन है, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन। अगला है बेटा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पैरा नंबर 12। अब यहां पे क्या सर्विस का केस आ गया, जो सर्विस परफॉर्म कर रहा है, सर्विस को परफॉर्म करा जा चुका है एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट या एज पर कंप्लीटेड सर्विस या प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन। भाई ये डिपेंड कर रहा है, वो तो आपका सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट कभी पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही पेमेंट मिलेगी या टुकड़ों के हिसाब से भी चल सकता है प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे, वो डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट है। और अगली जो दो चीज है वो तो बेटा कॉमन है, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन। अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही है तो ऑब्वियसली आप अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। और अगली चीज है बेटा अदर वाला केस, अदर में क्या है बेटा इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड। तो इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड में पहला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की इनकम कैसे रिकॉर्ड होती है बेटा, इंटरेस्ट की इनकम हमेशा रिकॉर्ड हो जाती है पी इंटू आर इंटू टी के हिसाब से। आपने किसी को लोन दिया, आपने बैंक में एफडी कराई, आप कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, सर कितना अमाउंट का लोन दिया, कितना रेट है ब्याज का और कितना समय बनता है साल खत्म होने तक, क्या जैसे हुए तो पी इंटू आर इंटू टी। सो दैट इज सिंपल टाइम प्रपोर्शन बेसिस, अमाउंट लेना है आउटस्टैंडिंग और रेट एप्लीकेबल लगाना है, तो पी इंटू आर इंटू टी। रॉयल्टी की जो इनकम होती है बेटा वो होती है एक्रूअल बेसिस पे, उसका मतलब होता है एग्रीमेंट के हिसाब से जब कंडीशंस कंप्लाई होगी। रॉयल्टी की इनकम कैसे आती है, मान लीजिए मैं बेसिकली बेटा बुक लिखी है तो मेरे पास उसका कॉपीराइट बेसिकली आ रहा है, अब पब्लिशर बेटा बुक को बेचेगा और मुझे जब बेचेगा तो मुझे इनकम होगी रॉयल्टी की, ठीक है ना। तो वहां पर जो रॉयल्टी की इनकम है हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से जो कंडीशन है लिखी हुई उसके हिसाब से होगी। कई बार होती है कंडीशन की जितनी बुक वो बनाएगा उसके हिसाब से, मैक्सिमम टाइम पे कंडीशंस होती है कि भाई जितनी बुक्स वो बेचेगा उसके हिसाब से। अब उसने पूरे साल में जितनी बुक्स बेच दी उसके हिसाब से उसने मुझे रेवेन्यू देना है, तो वो एक्रूअल बेसिस का क्राइटेरिया लग जाएगा। और तीसरा है बेटा डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं बेटा, कंपनी डिविडेंड का अपनी किताबों में एंट्री कब डालती है, सर डिविडेंड की एंट्री वो तब डालती है जब वो डिविडेंड को डिक्लेयर करती है। सिमिलर तरीके से आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और 2020-21 में कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया, पर बेटा उसका डिविडेंड कंपनी अगले साल जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है एजीएम होते है तब डिक्लेयर करती है। क्या आप ये कहोगे कि मैं रेवेन्यू अपना 2021 में ही रिकॉर्ड कर लूंगा, मैं तो एक्रूअल कंसेप्ट को जानता हूं जी, नहीं, क्योंकि आपका राइट टू रिसीव कब एस्टेब्लिश होगा, आप कब जाके कंपनी से हक से डिविडेंड के पैसे मांग सकते हो, जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्योंकि हो सकता है कंपनी डिक्लेयर ना करे तो उस केस में आप थोड़ा ना कहोगे भाई प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड दो। तो आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश कब होगा बेटा, आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होगा जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो आपके पास आती है बात व्हेन द ओनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टेब्लिश फाइनल डिविडेंड के केस में, जब वो एजीएम में डिक्लेयर होता है, क्योंकि एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है। और इंटरिम डिविडेंड बेटा बोर्ड वालों के पास पावर होती है, बीओडी के पास, तो वो बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर होता है, इंटरिम होता है ड्यूरिंग द ईयर का। साथ में सिंपल सी बात है, आपके पास मेजरेबिलिटी मतलब आपके पास उसे कंसिडरेशन का अमाउंट कैलकुलेट हो सकता है, जो हमने बात की थी उसमें सिग्निफिकेंट अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए, और ना ही कलेक्टेबिलिटी की मतलब हमें पैसे मिलेंगे, हमें पैसे मिलेंगे हमें पूरा विश्वास है तभी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, तभी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना बेटा जी। सारे बच्चा लोग अभी सिर्फ इस एएस पे ध्यान दो, कौन सा एएस कब होना है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, डोंट वरी बेटा, अभी हम अपने पास इस एएस पे ध्यान दे रहे, ठीक है ना। हाँ जी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे एएस बेटा करा दूंगा मोर और लेस, पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को सारे करा दूं, प्लीज डोंट वरी। एक दिन में अभी दो आप लोगों को करा रहा हूं ताकि एक बार बढ़ता जाए, पेपर वाले तक आपके पास मान के चलो मोर और लेस सारे करा दूंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका हमें साथ में ध्यान रखना है जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक अगर डिलीवरी डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट है जी, आपने गुड्स किसी को बेच दिए पर बायर ने बोला कि भाई मैं इन गुड्स को ना थोड़े दिनों के बाद लेके जाऊंगा, मैं अभी मान लीजिए यूएस से घूमने जा रहा हूं, मैं जब वहां से वापस आऊंगा तो मैं अपने पास कर दूंगा, कोविड का टाइम भूल जाओ, कोविड के टाइम में तो चलो बहुत कुछ हो गया था, तो नॉर्मल कोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वहां पर आपके पास जो है हमने अब रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, जब वो आके गुड्स लेगा या आज ही, तो उसने क्या बोला, कहता है अगर डिलीवरी डिले करी जा रही है बायर के रिक्वेस्ट पे पर बायर टाइटल ले चुका है और बिलिंग एक्सेप्ट कर चुका है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दो
अगर एवरी एक्सपेक्टेशन है कि डिलीवरी होगी, मतलब पूरा विश्वास है, एक तो बिल बिलिंग हो चुके एक तरीके से, और दूसरा पूरी उम्मीद है कि डिलीवरी होगी, और आइटम आइडेंटिफाइड एंड रेडी फॉर डिलीवरी है, मतलब हमने उसके आइटम को अलग से निकाल के रखा हुआ है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो सिंपल बोल देता है आइटम इज रेडी एंड आइडेंटिफाइड फॉर डिलीवरी, वो पड़ी अलग से, तो उस केस के अंदर रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड कर दो, ये नहीं कि जब वो आएगा, ये नहीं कि जब वो आएगा लेने, ठीक है ना। हाँ जी, देन डिलीवरी सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन। बेटा आपने मशीनरी खरीदी, मतलब मैं कहता हूं चलो आपने मशीनरी बेची, दूसरे एंगल से लेते हैं, आपने मशीनरी बेची और आपने ये कहा है कि मैं ना मशीनरी की इंस्टॉलेशन भी करा के दूंगा, आपको इंस्टॉलेशन करा के दूंगा, तो उस केस के अंदर जब तक आप इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन नहीं करा देते तब तक बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा ना आपके गुड्स को, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है वो कराना, तो आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे? जब इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये नहीं कि फैक्ट्री से आज मशीन निकल गई तो तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अगर आपने इंस्टॉलेशन ना करी तो बायर तो वापस कर देगा आपकी मशीन को। तो अगर डिलीवरी सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन है तो रेवेन्यू शुड नॉर्मली नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल कस्टमर एक्सेप्ट डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन आर कंप्लीट, ठीक है ना। गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या है सर? ये तो बड़े सिंपल से है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, हमने फाउंडेशन में भी चैप्टर करते वैसे भी सुना हुआ है सेल ऑफ गुड एक्ट्स में। बेटा गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस होता है जहां पे हमने आज कस्टमर को गुड्स भेजे और हमने उसे कहा कि तुम्हारे पास मान लीजिए 20 दिन का समय है, आप गुड्स को अप्रूव भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। अब कब उस केस में सेल रिकॉर्ड होगी? पहला, आपके पास अगर उसने फॉर्मली ही एक्सेप्ट कर दिया, उसने 12th डे मुझे फोन किया और कहा आई एक्सेप्टेड योर गुड्स, तो वो आपके पास सेल अप्रूव हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। बायर ने कोई ऐसा एक्ट किया विच शोज द एक्सेप्टेंस, उसने गुड्स को कंज्यूम ही कर लिया या उसने आगे किसी और को दे दिए, बेच दिए, तो दैट शोज हिज इंप्लाइड कंसेंट, वो शो कर रहा है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। या 20 दिन का समय निकल गया और उसने रिजेक्शन नहीं करी, क्योंकि समय था 20 दिन का अप्रूवल रिजेक्शन का, अगर 20 दिन तक वो कुछ नहीं कहेगा तो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस है बेटा। तो इन तीनों में से कोई भी हो जाए तो हमारी वो क्या बन जाएगी? रेवेन्यू रिकॉर्ड करा जाएगा, ठीक है ना बात। देन गारंटीड सेल्स, गारंटीड सेल्स क्या होता है बेटा? आप कई बार क्या कहते हैं, आप देखते हैं ना वॉशिंग मशीन वगैरह होती है, एयर कंडीशनर होता है, वो लोग जो बेचते हैं तो वो कहते हैं जी इसमें ना हम आपको 7 ईयर्स की गारंटी वारंटी दे रहे हैं, 3 साल की इसमें गारंटी एंड वारंटी का आपके पास हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या, इन केस ऑफ रिटेल सेल्स ऑफरिंग अ गारंटी इवन चाहे ऑफ मनी बैक इफ नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड, तो आपको प्रॉपर अगर मनी बैक के बाद, तो हम ये थोड़ी ना कि हम रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे 3 साल तक। हम यहां पर सिंपल बोलते हैं बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सारे कस्टमर से आके वापस कर जाएंगे, तो हम बोलते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देख लो कि भाई कितने परसेंट लोग आपके पास आ सकते हैं, एक आपका क्या रेट चल रहा है कि कितने लोग आपके पास जो है विद इन गारंटी पीरियड वापस आते हैं, तो उस केस में उतने की प्रोविजन ना दो, जो कि AS 29 भी यही बात कहता है कि मेक अ प्रोविजन फॉर गारंटीज एंड वारंटीज। हम अपने पास ये नहीं है कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज द सेल बट मेक अ सूटेबल प्रोविजन फॉर द रिटर्न बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए, प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए अपने पास जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लीजिए और साथ में प्रोविजन बना दो। कंसाइनमेंट सेल, कंसाइनमेंट सेल में बेटा रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? सिंपल सी बात है, जब कंसाइनी आगे थर्ड पार्टी को बेचता है, ए कंसाइनर है बी कंसाइनी है, तो ए ने जब गुड्स बी को बेचे बेटा तब तो कोई सेल ही नहीं है, वो तो मेयर ट्रांसफर है, एजेंट को गुड्स जा रहे, जब बी आगे लोगों को बेचेगा तब सेल रिकॉर्ड होगी, तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी टू थर्ड पार्टी। सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशंस, मैगजीन वगैरह की बात हो रहे हैं, घर वगैरह पे कभी मैगजीन वगैरह के आपके सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर आप लेते हैं तो वहां पे सवाल उठा वो जो पब्लिकेशन वाले वो अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो कहता है वो इधर करते हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर टाइम, या जहां पे आइटम्स डिलीवरी जो हुई है वो उनकी वैल्यू में फर्क है तो सेल्स वैल्यू ऑफ आइटम डिलीवर्ड के हिसाब से। सिंपल सी बात है, आपने पूरे साल की मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ली तो पूरे साल के लिए आपने उनको मान लो जी 1200 रुपए पे कर दिए, तो अल्टीमेटली वो ये थोड़ी ना पूरे 1200 रुपए पहले ही महीने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर जो वो मैगजीन दे रहे हैं उसकी बराबर वैल्यू है तो ऑब्वियसली वो बराबर बराबर महीनों में अपने पास डालेंगे,
अपने पास बराबर बराबर महीनों में अपने पास रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे स्ट्रेट लाइन, अगर वो वर्थ बराबर है। पर अगर ऑब्वियसली किसी महीने की महंगी है किसी महीने की सस्ती है, तो उसकी रेशियो में ऑटोमेटिकली उस रेवेन्यू को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन आपके पास इससे रिलेटेड करेंगे हम, क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराऊंगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो आपके पास है इस केस में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या है जो एड कर रहे हैं? आपने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया कि एड करनी है जी हमने, अब वहां पर वो लोग मैगजीन वगैरह में एड दे रहे और उन लोगों को पैसे मिलेंगे आपसे, अब वहां पर सवाल ये उठता है कि वो अपनी इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे? बेटा जब इवेंट टेक प्लेस होगा। इवेंट यहाँ पे क्या है? जब एड लोगों के आगे अपीयर करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मकसद ये है। तो जब एडवर्टीजमेंट अपीयर करेगी बिफोर द पब्लिक, बेसिकली तब, बेसिकली जिस दिन मैगजीन पब्लिश हो जाएगी, अगर मैं बात करूं तो अभी इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, जब एडवर्टीजमेंट अपीयर होगी पब्लिक के सामने। फिर कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस बैंक्वेट वगैरह की बात करूं, अगर ये क्या चीज हुई बेटा, ये बात आ गई, अगर आपने मान लीजिए कोई बैंक्वेट हॉल वगैरह बुक कराया आपने शादी के फंक्शन के लिए, अब सवाल उठा कि शादी तो 2 महीने बाद होनी है, क्या उनको जो आज पैसे दे के आए वो आज ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे? नहीं, वो तब करेंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड जब इवेंट होगा, जब जिस दिन इवेंट होगा उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। ट्यूशन फीस, स्कूल वालों को बेटा ट्यूशन फीस वगैरह देते हैं हम लोग, कई बार होता है कि पूरे साल की देते हैं। आप अगर कोई क्लासेस खरीदते हैं टीचर वगैरह से, आप पढ़ते हैं, तो वहां पे आपने इकट्ठे में मान लीजिए 8,000 रुपीज दे दिए, ठीक है, और आपकी पढ़ाई जो चलनी है 4 महीने तक चलनी है, आपने पहले ही दिन 8,000 दे दिए, तो वो जो टीचर है या वो आपके पास जो स्कूल वाले हैं, क्या वो रेवेन्यू उसी दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, वो बोला गया ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जितने महीने आपके पास वो कोर्स चलना है उतने पीरियड में वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करा जाएगा। हाँ जी बेटा, सब्सक्रिप्शन के अंदर युक्ता बेटा बिल्कुल हो सकता है। मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस बेटा आपके पास जो है, मेंबरशिप फीस में आपके पास आ रहा है, मान लीजिए आपने किसी क्लब की मेंबरशिप ली, अब वहां पे जब आप मेंबरशिप ले रहे हैं तो उस केस के अंदर में दो ऑप्शन बनते हैं। अगर मेंबरशिप फी परमिट करती है सिर्फ मेंबरशिप, सिर्फ मेंबरशिप, और बाकी सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की पेमेंट अलग से कर रहे हो या सेपरेट एनुअल सब्सक्रिप्शन है, तो फी को रिकॉग्नाइज कर लो जब पैसे मिले, क्योंकि वहां पे मेंबरशिप फीस के जो पैसे दिए उससे मेंबरशिप तो आ गई, बाकी सारी चीजों के आप अलग से पेमेंट करोगे, बाकी सारी चीजों का अलग, तो वो तो जब जब करोगे तब आएगा, जो इसके पैसे दिए उससे आपको मेंबरशिप आ गई तो वो रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड कर लो। पर अगर मेंबरशिप फी से सर्विसेज भी आपको जो वहां से मिलनी है वो भी मान लो 1 महीने तक वगैरह आपके पास, 1 साल 2 साल तक वो भी फ्री में मिलेगी, तो उस केस के अंदर आपके पास जो है उसे सिस्टमेटिक या रैशनल बेसिस में अपने पास डिवाइड कर दो। आप एक तरीका निकाल लो भाई हमने उसको कैसे डिवाइड करना है। और एक है बेटा यहाँ पे प्राइस रिवीजन। प्राइस रिवीजन का मतलब क्या होता है? आपने किसी को गुड्स बेचे बेटा 100 रुपए के, आपने सेल कर दी, सब हो गया, 2 महीने के बाद जाके प्राइस आपने रिवाइज कर दिया और आपने उसे बोला जो पिछली बिलिंग हुई थी ना उसके आपको 20 रुपए और देने हैं, वो 100 की बजाय 120 है। एंड ऑब्वियसली बात है बेटा पार्टी को पता होगा, मतलब काफी बार ऐसा रिट्रोस्पेक्टिवली प्राइजेस बढ़ रहे हैं। देखो अगर तो प्राइस जो है वो आपके पास जो है नई बिलिंग में होना, फिर तो वो न्यू ही हो गया। प्राइस रिवीजन का मतलब आ रहा है जहां पे रिट्रोस्पेक्टिवली जो पुराने बिक चुके हैं गुड्स उसके लिए अब इंक्रीज प्राइस की आप बिलिंग करने जा रहे हो, तो वहां पे सवाल उठता है कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। सिंपल सी बात कहते हैं, अगर आपका देखो गुड्स तो बिक चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अगर आपको लगता है कि पार्टी पैसे दे देगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, लगता है पार्टी पैसे नहीं देगी तो मत करो। तो आपके पास सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन अगर ये है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, नहीं है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड मत करो। और साथ के साथ बेटा स्टैंडर्ड ने आपको एक और चीज बोली जो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर जिस दिन इवेंट हो रहा है, जिस दिन गुड्स बेच रहे हो या सर्विस प्रोवाइड करी, जो भी केस था, अगर उसी समय सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर अनसर्टेनिटी है तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करना। अगर एबिलिटी टू असेस द अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी इज लैकिंग, मतलब नहीं है सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए एज पर पैरा नंबर 10। तो बेटा एएस नंबर है 9, एक पैरा 10 है जो जनरल बात कर रहा है, 11, 12, 13 बताते हैं गुड्स सर्विस और इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड। तो अगर आप सीक्वेंस के हिसाब से याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर अनसर्टेनिटी बाद में आती है, सेल आज कर दी, 2 महीने बाद जाके लग रहा है ये पार्टी ने शायद पैसे नहीं देगी मुझे, तो आज तक क्या करते हो, सेल को कम करते हो? नहीं सर, हम तो सीखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते, तो वही करना है ना, वही स्टैंडर्ड ने कहा, तो प्रोविजन क्रिएट कर दो रादर देन रेवेन्यू को कम करने की बजाय। रेवेन्यू को कम करने की बजाय बेटा अपने पास प्रोविजन क्रिएट कर दो, अगर बाद में जाके लग रहा है, अगर बाद में जाके लग रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई मेरी? हाँ जी सर, ये बात हमें अपने पास जो है क्लियर हो गई अच्छे से। अब बेटा हम क्या करते हैं, मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपके पास इस स्टैंडर्ड की एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके पास करने बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी हमारे पास, और ये क्वेश्चन आपके पास जो है एग्जाम में बेटा आता है, एग्जाम में बेटा आते हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपके पास बात करने जा रहा हूं। ठीक है, नाउ मैं डाउट्स पे आता हूँ बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डाउट पे आता हूँ बेटा। हाँ जी बाद में आता हूँ बेटा, अभी एक बार के लिए क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं आपके डाउट्स जो होंगे वो ले लूंगा। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल है ये बेटा, स्टडी मटेरियल में भी आरटीपी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मेरे को करा रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपकी अलग अलग डेट्स पे अलग अलग एक्टिविटीज है, रॉ मटेरियल WIP 1 बना, WIP 2 हुआ, फिर रेडी फॉर सेल हुआ, सेल एग्री और इनवॉइस रेज हो गया, डिलीवरी कर दी, उस दिन की कॉस्ट और एनआरवी बता दी। कह रहा है आपको क्या लगता है किस स्टेज पे रेवेन्यू जनरेट होगा और किस कैसे नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा उस साल के लिए? तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां पे कंफ्यूजन जो आती है वो इन 3 में से आएगी कि रेवेन्यू किस दिन रिकॉर्ड करना चाहिए। बेटा जिस दिन सामान बनकर रेडी हो गया क्या उस दिन होगा? नहीं, सेल एग्री होगी और इनवॉइस रेज हो गया, इनवॉइस रेज हो गया, ओनरशिप चली गई है, एग्री हो चुका है, तो बेटा रेवेन्यू इस दिन रिकॉर्ड होगा। जरूरी नहीं है कि डिलीवरी जिस दिन होगी उस दिन होगा, डिलीवरी कैन बी डिलेटेड बाय रिक्वेस्ट। तो यहां आपने सिंपली जो है सेल ऑफ गुड्स वाले की कंडीशन मेंशन कर देनी है, सेल ऑफ गुड्स वाले की कंडीशन मेंशन कर दो। पैरा नंबर कौन सा था बेटा? पैरा नंबर था 11, वैसे बात कर रहा हूं। तो सेल ऑफ गुड्स में प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो चुकी है या सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड चले गए और कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड कलेक्शन जो है, तो हमारी 2 कंडीशन जल्दी पूरी होनी चाहिए, सेल वैल्यू डिटर्मिनेबल और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, जो कि कौन सी तारीख को हो रहा है बेटा? 15 मार्च को हो रहा है, जब ये आपके पास एग्री हो गया और गुड्स हमने इनवॉइस के थ्रू दी थी। तो ये नेट प्रॉफिट जो इन दोनों का डिफरेंस है बेटा, 2 लाख के गुड्स है 3.5 लाख में बेचे 350 में, तो 150 का प्रॉफिट जो है वो इस साल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, 1,50,000 का बेसिकली आपके पास जो है प्रॉफिट इस रिकॉर्ड में हो जाएगा बेटा। ठीक है जी, बात क्या ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, ये हमें क्वेश्चन समझ आ गया। अगला बेटा, अगला देखते, जैसे मैं आपसे बार बार कह रहे थे, आप लोग मेरे से एक चीज को लेके सोच रहे होंगे कि सर हमने एक पॉइंट पढ़ाया था आपने कि जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की बात कर रहे सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन होना चाहिए, अनसर्टेनिटी होगा तो नहीं करेंगे, मैंने बोला, तो आप कहेंगे कि सर फिर तो हम किसी को बेचेंगे क्यों? बेटा उसमें मैंने कहा था आपको एक ऐसा केस आता है जिसमें वो चीज एप्लीकेबल हो जाती है, तो वैसा एक एग्जाम क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया हुआ है, जो हमारा स्पेसिफिकली पैरा 10 ने भी ये बात बोली है। तो कहता है उमंग लिमिटेड ने गुड्स बेचता है अपने एजेंट के थ्रू, टर्म्स ऑफ सेल के हिसाब से कंसिडरेशन जो है वो 1 महीने के अंदर देनी है, अगर पेमेंट में डिले हुआ तो 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है एजेंट से, कंपनी ने इंटरेस्ट रियलाइज नहीं हुआ एजेंट से इन द पास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस साल के अंत तक जो इंटरेस्ट बनता है पेमेंट डिले की वजह से वो बनता है 1,72,000, अकाउंटेंट ने 172 की इंटरेस्ट की इनकम रिकॉर्ड कर ली, क्या उसने सही किया AS 9 के हिसाब से? बेटा आप अपने गुड्स एजेंट के थ्रू बेचते हो और एजेंट आपको पैसे देने होते, अगर एजेंट पेमेंट टाइम से नहीं देगा तो आप उससे ब्याज लोगे, इंटरेस्ट लोगे। अब इस साल में क्योंकि उसने डिले करेगी आपकी पेमेंट का, तो आपका जो इंटरेस्ट बनता है 1,72,000 का बनता है, और इंटरेस्ट की इनकम हमने कहा था आपकी P:R:T के हिसाब से टाइम प्रोपोर्शन बेस पे कर लेनी चाहिए, अमाउंट भी कैलकुलेटेड है, तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? नहीं रे बाबा नहीं, कैसे कर लेंगे रिकॉर्ड, आज तक तो मिला नहीं, अब कहां मिल जाएगा, तो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है। यही तो मैंने लाइन पढ़ी थी आपको कि कंपनी को आज तक तो बेटा कभी आज तक एजेंट से इंटरेस्ट मिला नहीं, तो इस बार कैसे मिल जाएगा आपके पास, इस बार कैसे मिल जाएगा आपके पास? तो यहां पर स्टैंडर्ड ने बड़ा क्लियर कहा है
जब आप इनकम को रिकॉर्ड करने की बात करने की सोच रहे हो, अगर उसी समय लगता है कि पैसे तो आने ही नहीं है, अनसर्टिनिटी ऑफ कलेक्शन है, तो रेवेन्यू को पोस्टपोन कर दो, रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहां पर एज पर पैरा 10, व्हेन द एबिलिटी टू असेस अल्टीमेट कलेक्शन इज लैकिंग एट द टाइम ऑफ रेजिंग क्लेम, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन्ड, इट इज पोस्टपोन्ड। तो कंपनी नेवर रिलाइज द इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली इफ अल्टीमेट कलेक्शन इज सर्टेन। तो देयरफॉर आपके पास इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। तो जो अकाउंटेंट कर रहा है वो गलत कर रहा है, एज यूजुअल अकाउंटेंट जो कर रहा है गलत कर रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या समझ आया? यस सर, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हमें समझ आ गया बेटा, और ये वाला भी टाइप का आता है। अगला ये वाले टाइप का भी बेटा आपके पास क्वेश्चन बन के आता है, तो मुझे फटाफट से बताते जाना हर पॉइंट में कितना रेवेन्यू आएगा हर पॉइंट में। क्वेश्चन थ्री, यहां पर बेटा हमने बताना है कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड करा जाना है हर कंटेक्ट में, और फिर लास्ट में टोटल कर देना। पहला पॉइंट, गुड्स ऑफ 60,000 बेचे 20 मार्च को, बट बायर की रिक्वेस्ट पे उनको डिलीवर किया 10 अप्रैल को, तो इसी साल में करेंगे कि अगले साल करेंगे? क्योंकि मुद्दा तो देखो यही है, 20 मार्च को कि 10 अप्रैल को। सर अभी आपने पढ़ाया था, अगर डिलीवरी इज डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट, अगर डिलीवरी इज डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट तो रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। बकायदा आइटम इज रेडी एंड आइडेंटिफाइड फॉर डिलीवरी, टाइटल वगैरह हो चुका है, तो इफ डिलीवरी इज डिलेटेड बायर रिक्वेस्ट तो उस केस में रेवेन्यू रिकॉर्ड करा जा सकता है आपके पास, बिल्कुल करा जा सकता है। तो पहले केस में डिलीवरी सेल कंप्लीट है पर डिलीवरी डिलेटेड बायर रिक्वेस्ट है पोस्टपोन, तो 60,000 का इंटायर रेवेन्यू इसी साल में रिकॉर्ड करा जाएगा, इसी साल में रिकॉर्ड करा जाएगा बेटा, ठीक है। अगला केस, 15 जनवरी को 1,50,000 के गुड्स बेचे कंसाइनमेंट पे, 20% अभी भी अनसोल्ड है बेटा कंसाइनी के पास, तो कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं? सर जितने उसने आगे बेचे, क्योंकि 20% तो बिके नहीं, हमारा ही स्टॉक है उसके पास पड़ा है, तो 80% ही तो रिकॉर्ड कर सकता हूं ना, तो 1,50,000 का 80% ही रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो आपके पास 150 का 80% बेटा बना हमारा कितना? हमारा बना 1,20,000, 1,20,000, ठीक है जी। देन अगला ध्यान से देखना भी ये वाला, 1,20,000 वर्थ ऑफ गुड्स अप्रूवल बेसिस पे बेटा दिए 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 3 महीने का समय है, उसके बाद उसे सेल मान लेंगे। बायर ने 75% का तो कंसेंट दे दिया 31 जनवरी को, 2 महीने के बाद, 1 दिसंबर से 31 जनवरी, और बाकी का अभी तक अप्रूवल नहीं आया, तो कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे बेटा? कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? सर 75% का ही आया है तो वही करेंगे, 75% का है तो वही करेंगे। नहीं बेटा नहीं, नहीं रे नहीं, आपके पास गलत हो जाएगा अगर आप ये बात बोलेंगे। क्यों सर? बेटा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आपने 1 दिसंबर को सेल करी थी और 3 महीने का समय था, तो लॉजिकली 1 मार्च तक आपके पास अप्रूवल आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आया तो ऑटोमेटिक सेल है, और हम बात कर रहे हैं 31 मार्च तक की, हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च तक का, तो 75% का अप्रूवल आ गया वो इसलिए सेल है, और 25% उसने रिजेक्ट नहीं किए 1 मार्च तक, तो वो भी ऑटोमेटिक सेल हो गया, तो 100% आपके पास बेटा रेवेन्यू रिकॉर्ड करा जाएगा, 100% पूरा आपके पास 1,20,000 ही होगा, क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास एक्सपायर हो गया और बाकी का उसने अप्रूवल दे दिया था, ठीक है। देन लास्ट केस बेटा, इसके अलावा कंपनी ने कैश सेल भी करी है 780 की, वो ग्रॉस है, और ट्रेड डिस्काउंट 5% भी दिया है, तो बेटा 780 का रेवेन्यू आएगा कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद आएगा? सर ट्रेड डिस्काउंट के बाद आएगा, अभी आपने समझाया था 780 में से 5% माइनस होके आएगा, तो 780 में से 5% माइनस करेंगे बेटा, 780 में से 5% माइनस करेंगे, तो 780 में से 5% माइनस किया, बिल्कुल सही बेटा, आपके पास बनता है 741, और सारे पॉइंट्स को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा टोटल करके, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, एक एक नंबर एक एक का था,
और टोटल का एक नंबर हो गया, बड़ा क्लियरली है। तो आपके पास क्या है वो बताना है टोटल भी, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है इस वजह से, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या एग्जाम्पल, ये वाला समझ आया बेटा आप लोगों को? क्या ये वाला हमारे को क्वेश्चन समझ आया? यस सर, ये वाला समझ आया। और आगे देखते हैं बेटा, और आगे देखते हैं, आइए जरा बेटा, क्योंकि इसमें ना टाइप्स एक है कि स्टैंडर्ड की प्रोविजन समझ ली, जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन में, तब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन स्टैंडर्ड में बनते हैं, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड ने गुड्स बेचे 13 लाख रुपए के वाई को, वाई ने कहा मुझे ट्रेड डिस्काउंट दो 1,06,000 का, और वो एक्स मान गया। वो डिस्काउंट अलाउड है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट है। सेल हो गई, गुड्स डिस्पैच हो गए। जब गुड्स मिले तो वाई को पता चला कि 1,34,000 के गुड्स तो डिफेक्टिव है, वो तो डिफेक्टिव है। उसने वापस कर दिए डिफेक्टिव गुड्स और पेमेंट कर दी 10,60,000। मुझे बताएंगे क्या 1060 ठीक बनता है वैसे? तो 13 लाख में से 1,06,000 का तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट है, और 134 के गुड्स खराब निकले, तो क्या इसका टोटल 1060 बनता है? सर 240 गया, 1060 ही बनता है, बिल्कुल 1060 ही तो बनता है, तो बिल्कुल सही बात है। अब आपके पास अकाउंटेंट ने बुक करी सेल 1060 की, अकाउंटेंट ने सेल 1060 की दिखा दी भाई, कह रहे ये बताओ रेफरेंस दो, क्या उसने सही किया रेलिवेंट एएस के हिसाब से? क्या AS नंबर 9, क्योंकि रेवेन्यू के लिए तो AS 9 है, यहां पे AS 9 भी लिख दोगे, नंबर है उसका रेवेन्यू की जो बात होगी, क्या उसने ठीक किया? नहीं सर नहीं, लगता तो यही है कि सही किया। बेटा याद करो, जब आप एंट्री डालते हो, जब भेजते हो तो डालते हो डेटर टू सेल, जब वापिस आता है सेल टू डेटर डालते हो, सेल रिटर्न टू डेटर डालते हो। सर जब वापिस आता है तो हम सेल रिटर्न टू डेटर डालते हैं, प्लस वन से यही सिखाया गया है ना। सेल और सेल रिटर्न अकाउंट बेटा अलग अलग है। पीएनएल में दिखाने के लिए बेटा वो आपके पास क्या है, नेटिंग कर देते हो वहां पे दिखाते हुए, पर खाते तो अलग अलग है, अलग अलग बुक्स में एंट्री हो रही है। एक का आपके पास सेल रजिस्टर वगैरह बन रहा है, एक का इनवॉइस बन रहा है, एक का डेबिट नोट क्रेडिट नोट बन रहे होते हैं। तो आपके पास जो सेल रिकॉर्ड होगी वो 1060 की नहीं होगी, चाहे फाइनेंशियल इंपैक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके पास जो सेल रिकॉर्ड होगी वो होगी बेटा 13 लाख माइनस 1,06,000, क्योंकि वर्ड आपके पास ग्रॉस इनफ्लो की बात की थी, और ये सेल रिटर्न अलग से रिकॉर्ड करा जाएगा, ये सेल रिटर्न अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट तो डिडक्ट होगा 13 लाख से, और ग्रॉस सेल रिकॉग्नाइज होगी 1,194 की, और जो 134 है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा सेल रिटर्न के नाम का। तो जो उसने कहा वो गलत कहा, आप देख सकते हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं आपके पास बेटा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला पूरा पॉइंट कह रहे हैं कि सिर्फ उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? नेहा बेटा बार बार एक ही चीज लिख डाली नेहा बेटा ने। आदित्य बेटा इनकरेक्ट, प्रैक्टिकली बात अलग है, हमने स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे बेटा, मैंने बोला फाइनेंशियली इफेक्ट आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यू हैव टू गो बाय द वर्डिंग्स ऑफ द स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रहे। इस वजह से आपने ध्यान रखना है जो सेल की वैल्यू है वो क्या नहीं है, ग्रॉस सेल में से सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, सेल रिटर्न सेपरेटली दिखाया जाएगा, ठीक है ना, सेल रिटर्न सेपरेटली दिखाया जाएगा, ठीक है जी। बात बेटा करके दिखाते हो, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते हो, प्लस वन से मुझे बताओ, जब भेजते हो तो डेटर टू सेल करते हो, जब वापस आते हैं तो सेल टू डेटर करते हो कि सेल रिटर्न टू डेटर? अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग रजिस्टर्स में एंट्री हो रही है, बैलेंस पीएनएल में जाके बेटा करके दिखाते हो ना माइनस करके, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर हुई? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला पॉइंट तो बेटा आपके पास नेहा बेटा वो आसान था, जितने का अप्रूवल आ गया वो तो सेल है, अब जितने का अप्रूवल नहीं आया और समय ही खत्म हो गया टाइम पीरियड, तो वो भी तो सेल बन जाएगी ना। 3 महीने का टाइम था उस क्वेश्चन में, 1 दिसंबर को करी थी, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो 3 महीने तक अगर नहीं आया तो वो भी सेल है, वो भी आपके पास सेल है, क्योंकि 3 महीने के अंदर उसने रिजेक्ट करना था जो नहीं किया। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आए, ये भी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी करना बनता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी करना बनता है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, इस क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहे सरिता पब्लिकेशन एक मंथली मैगजीन पब्लिश करती है हर महीने की 15 तारीख को, वो एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचती है एडवर्टाइजर्स को,
और टर्म्स क्या है, 80% सेल वैल्यू का जो एडवांस में लेती है और बाकी 30 दिन के अंदर देना होता है। तो एक बेसिकली पब्लिकेशन एजेंसी है जो एक मैगजीन निकालती है हर महीने की 15 तारीख को। जो लोग अपने उस मैगजीन में ऐड करवाना चाहते हैं, आप देखते हैं मैगजीन के अंदर, तो वो लोगों को बेसिकली क्या है, अपने पास 80% जो बेसिकली वो पैसा एडवांस में ले लेती है और बाकी पैसा जो है मैगजीन की पब्लिकेशन जब होती है उसके 30 दिन के अंदर देना होता है उन लोगों को। जो मार्च की 20 की मैगजीन बेसिकली थी वो उन्होंने फरवरी में अनाउंस कर दिया, भाई जिस जिसने ऐड करवानी है वो अपने अपने पैसे देने की बात कर लो। मैगजीन पब्लिश हुई शेड्यूल डेट को, मतलब वो शेड्यूल डेट का मतलब हुआ 15 मार्च को ही बेटा अपने पास वो पब्लिश हो गई। 2,40,000, तो बेटा 80% अगर आप देखेंगे वो आपके पास एडवांस की बात है, वो 10 मार्च को हुआ और बाकी 60,000 जो है वो अगले साल आ रहा है क्योंकि 30 दिन का समय था। तो टोटल बना 3 लाख, 3 लाख का 80% इस साल में आ गया, 20% अगले साल आ रहा है। कह रहा है बताओ कितना रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड करा जाएगा और ट्रीटमेंट बता दो ऑफ द अमाउंट जो मिला है एडवर्टाइजर से, और ये भी बताओ अगर पब्लिकेशन डिले हो गई अगले साल तक, 2 अप्रैल तक अगर ये डिले होगी आपके पास अगले साल तक, तो बेटा अगर आपकी मैगजीन 15 मार्च को ही आपके पास बेटा पब्लिश हो रही है, 15 मार्च को ही पब्लिश हो रही है, तो सिंपली टू से बेटा अगर 15 मार्च 20 को ही रिकॉर्ड हो रही है, पब्लिश हो रही है, तो आपका 2019-20 में ही रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा पूरा का पूरा। 31 मार्च 20 वाले साल में ही करा जाना है पूरे का पूरा 3 लाख, मतलब पीएनएल में रेवेन्यू पूरा आएगा। पर पार्टी से मिला तो 240 है, 60 तो अगले साल जाके मिल रहा है, तो बेटा 60,000 का जो है वो डेटर के रूप में दिख जाएगा अंडर करंट एसेट्स, अंडर करंट एसेट्स, क्योंकि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, हमने क्या बोला था एडवर्टाइजिंग एजेंसी कब रेवेन्यू रिकॉर्ड होती है, व्हेन द एडवर्टाइजमेंट अपियर्स बिफोर द पब्लिक एंड व्हेन इट इज गेटिंग अपियरिंग बिफोर द पब्लिक व्हेन इट इज पब्लिश्ड, और वो पब्लिश कब हो रही है बेटा 15 मार्च को, तो रेवेन्यू इस दिन रिकॉर्ड हो जाएगा। पैसे मिले नहीं मिले वो बात की बात है, 240 मिल गए 60 आने बाकी, वो तो बेटा उधार की बात होती है ना, 240 आ गए 60 अभी आने बाकी है, आप कोई कैश बेसिस की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे। तो अक्रूवल के हिसाब से रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होगा जिस दिन मैगजीन पब्लिश हुई, वो इवेंट कब हो रहा है जब मैगजीन पब्लिश हुई। पर उसने साथ में पूछा था, तो अभी मैं पहले इस वाले केस में अगर बताऊं तो देखो 3 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा इनकम के तौर पर इस साल में, आपके पास 60,000 दिखाया जाएगा जो पैसा मिलना बाकी है और 240 तो मिल ही चुका है, तो 60 ड्यू फ्रॉम एडवर्टाइजर का मतलब क्या हुआ, वो आपका डेटर के रूप में दिख जाएगा बैलेंस शीट में, वो डेटर है बाकी भी मिलना बाकी है, ठीक है ना। अगले केस में अगर मैगजीन की डेट 2 अप्रैल चलेगी, 2 अप्रैल चलेगी बेटा, अगर मैगजीन पब्लिश ही 2 तारीख को हो रही है अगले साल, तो अगर अगले साल बेटा वो पब्लिश होगी 2 अप्रैल को, तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे सर, अगले साल रिकॉर्ड करेंगे, वो अगले साल 2020-21 में रेवेन्यू रिकॉर्ड करा जाएगा 3 लाख का। पर सर हमें तो पैसे जो है वो तो 19-20 में ही आ गए थे ना, 2,40,000, पर रेवेन्यू हम अगले साल रिकॉर्ड करें, तो बेटा देर इज समथिंग नोन एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से दिख जाएगा कि हमें पैसे पहले ही आ गए, तो दैट इज योर प्री रिसीव्ड इनकम, एक तरीके से एडवांस आया पड़ा है जो कि आपकी लाइबिलिटी साइड पे दिख जाएगा, जो कि आपकी लाइबिलिटी साइड पे दिख जाएगा। सरिता भाभी मैगजीन क्या बात है बेटा, क्वेश्चन लेता हूं नेहा बेटा, लिख के छोड़ दो, क्वेश्चन ले लेता हूं अभी, बस मैं अपनी तरफ से एक बार कंप्लीट करा दूं फिर आपके क्वेश्चन को भी लेता हूं, डोंट वरी। पहले बताएंगे क्या ये बात समझ आई मेरी, तो आपके पास अगर मैगजीन डिले हो गई बेटा पब्लिकेशन 2 तारीख तक, तो 3 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा बेटा अगले साल में, और जो 240 मिला हुआ है वो एडवांस के तौर पे दिखाया जाएगा पिछले साल में, वो एडवांस के तौर पे दिखाया जाएगा पिछले साल में, ठीक है ना बात। तो क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, क्या ये बात सबको क्लियर होगी, यस सर हमें ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन था लेट मी टेल यू। देन अगला बेटा, अगला अगले पे आते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूं, एक और क्वेश्चन कराता हूं फिर हम खत्म करने की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे खत्म करने की। क्वेश्चन है बेटा ये भी आपके पास, क्योंकि आरटीपी में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, इसलिए हमें देखना जरूरी है।
राज लिमिटेड ने एग्रीमेंट किया हीना लिमिटेड के साथ, गुड्स डिस्पैच करेंगे 5 लाख रुपए हर महीने अगले 6 महीने तक ऑन रिसीट ऑफ एंटायर अमाउंट। हमने पार्टी से पैसे ले लिए 6 महीने के और हम हर महीने 5-5 लाख के गुड्स देंगे, तो टोटल में 30 लाख रुपीज हमें बेसिकली मिल चुके हैं एक तरीके से, अगले 6 महीने देने 5-5 लाख के गुड्स। उसने अकॉर्डिंगली सारी की सारी पेमेंट कर दी और राज लिमिटेड ने डिस्पैच करने गुड शुरू कर दिए। कहता है चौथे महीने में जाके आग लगने की वजह से हीना लिमिटेड के, हीना लिमिटेड ने राज को कहा रुक जा मेरे गोडाउन में आग लग गई, तू गुड्स भेजेगा तो भैया मैं रखूंगा कहां पे। तो राज लिमिटेड नॉट टू डिस्पैच गुड्स वर्थ 15 लाख रेडी फॉर डिस्पैच, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बचे हुए 15 लाख के गुड्स जो है अभी वो तैयार पड़े हैं, बस भेजे नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, राज लिमिटेड ने सिर्फ 15 लाख की सेल दिखाई जो पहले 3 महीने के आए पड़े हैं और जो बाकी है वो भी एडवांस के तौर पे ही दिखाया हुआ है। क्या उसने सही किया? जैसे बेटा मैं आपको हमेशा बोलता हूं 99% केस में कंपनी ने जो किया होता है ऑर्गेनाइजेशन ने वो हमेशा गलती किया होता है, तो ये भी वही बात है भाई, हमेशा की तरह गलती किया भाई। यहां पे लिख दिया ना रेडी फॉर डिस्पैच, जब रेडी फॉर डिस्पैच लिख दिया बेटा यानी कि हम ये मान रहे हैं कि आपके पास जो है वो सेल के सारे एस्पेक्ट्स पहले ही पूरे हो चुके थे, सिर्फ हम तो डिलीवरी डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट, उसके कहने पे 5-5 लाख के दे रहे हैं बाद में। ऐसा नहीं है कि ये मॉडल हो नहीं सकता कि हर महीने मैं 5-5 लाख की बिलिंग करूं और आपके पास टाइटल ही तभी जा रहा है। यहां पे उसने लिख दिया रेडी फॉर डिस्पैच, इसकी वजह से ये किस केस में कवर हो गया, डिलीवरी डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट में, जिसकी वजह से हम रेवेन्यू पूरे का पूरा अभी रिकॉर्ड करेंगे ना कि जितनी वैल्यू के गुड्स भेजे, ठीक है बात। तो यहां पे बेटा पैरा नंबर 11 अगर तो याद है तो उसको पैरा को लिख के कंडीशन मेंशन कर दो कि अपने पास प्रॉपर्टी इन गुड्स चली गई या रिस्क एंड रिवॉर्ड्स और कोई कंट्रोल नहीं है और कंसिडरेशन पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो यहां पर बेटा डिलीवरी आपके पास जो है सेल प्राइस मिल चुका है, डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद पोस्टपोन्डेड बायर रिक्वेस्ट, तो फाइनली आपके पास इंटायर सेल दिखाई जाएगी 30 लैक्स की, इंटायर सेल दिखाई जाएगी 30 लैक्स की। क्या ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर हुआ है? यस सर, ये वाला भी क्लियर हो गया अच्छे से। हाँ जी गौरांग बेटा क्या कह रहे हैं, अब देखिए जरा, रीपर्चेज इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो क्या होगा, 100% रीपर्चेज कर लेंगे और 10% चांस है कि रीपर्चेज करने के लिए। बेटा रीपर्चेज का पैरा नंबर लिखना बेटा कोई मैंडेटरी नहीं है, याद करोगे और अगर आएगा याद तो ही लिखना बेटा। रीपर्चेज वाले को भी स्टैंडर्ड ने क्लियरली बोला हुआ है, वो मैं बता भी देता हूं, मैंने आपको लास्ट में बताना भी था। अगर आज आपने किसी को गुड्स बेचे हैं, अगर आज आपने किसी को गुड्स बेचे हैं और उससे आज ही ये एग्रीमेंट कर लिया कि 3 महीने बाद आप उससे गुड्स वापिस खरीद लेंगे, आज ही जिस दिन बेचे उसी दिन आज ही एग्रीमेंट कर लिया कि उससे वापिस खरीद लेंगे, तो वो सेल परचेज नहीं है, वो एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है, वो सेल नहीं रिकॉर्ड होगी, वो सेल नहीं रिकॉर्ड होगी, वो एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। क्योंकि वहां पे जनरली ऐसा होता है गुड्स तो जा ही नहीं रहे, सिर्फ पैसा दे रहे, पैसा आ रहा है, वही चीज हो रही है बेटा आपके पास। तो वो अगर अमाउंट का डिफरेंस भी होता है वो इंटरेस्ट कॉस्ट के तौर पर दिखाया जाता है, इट इज नॉट रेवेन्यू इवन मेंशन्ड बाय एएस नंबर 9, दैट इज द आपका सभी सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट इज द फाइनेंसिंग एग्रीमेंट बेटा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये गौरांग बेटा अभी आपका मेरे को, और सर कंडीशन है रीपर्चेज की फिर क्या होगा, 100% रीपर्चेज नहीं करेंगे बेटा। वहां पे वो कंडीशन ये बोली है आज बेच रहे हैं और कल को वापस खरीद लेंगे, आज ही एग्रीमेंट कर लिया, इसे आप सेल रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं। कॉन्करेंटली आपके पास एग्रीमेंट कर लिया तो फाइनेंसिंग है, वो आपके पास सेल नहीं है, वो रेवेन्यू नहीं है। अगर आपकी कंडीशन में 10% 20% तो उतने तक नहीं आएगा, बाकी आ जाएगा, वो फिर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी देखा जाएगा। स्टैंडर्ड ने जो लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है बात। स्टैंडर्ड ने जो लिखी बात मैंने आपके साथ वो डिस्कस करी। इज इट क्लियर बेटा लोग, क्या आप लोगों को बेटा आज जो दो स्टैंडर्ड करे क्या वो रिवाइज हो गए आप लोगों के? उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों के दोनों स्टैंडर्ड बेटा अच्छे से रिवाइज हुए होंगे, अच्छे से बेटा रिवाइज हुए होंगे ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड। एंड माय डियर स्टूडेंट आप सारे बच्चे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था बेटा
जरूर करें ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है जी। एंड साथ के साथ जो है आज के लेक्चर को हम खत्म करेंगे बेटा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेटा लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। एंड आप जो भी अपने पास स्कोर खरीदेंगे, सब्सक्रिप्शन करेंगे, तो आप लोग मेरा जो कोड है बेटा सी ए नितिन, उसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% बेटा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है जी, ठीक है जी। फॉर एवरी थिंग वी शुड चेक वेदर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट और नॉट। यस बेटा बिल्कुल आपके पास जो, बिल्कुल आपके पास। गौतम बेटा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? बॉलीवुड हिंदी बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, अभी समय का हेर फेर है, अभी हम आपके सामने आ चुके हैं, आप बच्चे लोग ही अपने पास करेंगे। कल का लेक्चर, कल का लेक्चर, कल क्या लेक्चर चाहते हैं कि मैं लूं? क्या चाहते हैं आप लोग कल लेक्चर लूं? अगर आप चाहते हो तो मुझे बताएं। प्रज्वल बेटा अपना डाउट पूछ लो बेटा। हाँ जी, क्या आप चाहते हैं कि मैं कल लेक्चर लूं और कल भी दो स्टैंडर्ड करा दूं रिवाइज? यस सर, यस सर, यस सर, 7 बजे ही रखेंगे बेटा, 7 बजे ही रखेंगे। अगर रखेंगे तो हम कल भी ऐसा करते हैं, कल भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी, 100% नहीं अभी कहता, बट 99% पक्का है कि मैं आप लोगों के साथ कल भी 7 बजे मिलूंगा, ठीक है ना। 99% है बेटा कि मैं आप लोगों के साथ कल भी शाम को 7 बजे आप लोगों के साथ मिलूंगा, तो घबराए मत, हम कल भी मिलेंगे और कल भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को फिर से 2 स्टैंडर्ड्स आप लोगों के रिवाइज करा दूं। अब तक आप लोगों के इस तरीके से 6 स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है, अभी धीरे धीरे हम अपने स्टैंडर्ड बाकी करते जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के बेटा स्टैंडर्ड्स रिवाइज करा दूंगा। गायत्री बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपके पास वो भी देख लेता हूँ, वो वाले भी कराता हूँ, करने तो सारे ही बेटा, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आपके पास गौरंग बेटा अभी एक बार समझा दिया, आपके पास कोई दिक्कत की बात नहीं, वो दोबारा हम बात कर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। सो अभी के लिए बेटा मैं आप लोगों का आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद आप लोगों को जो 2 स्टैंडर्ड करे थे अच्छे से रिवाइज हुए होंगे, इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा दूंगा, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। कल भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखे बेटा, ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।